So hello guys and welcome back to another very important video session from your own channel Let's Crack NEET UG which is your one stop solution for NEET UG entrance examination. यहाँ पर आपको physics, chemistry and biology का पूरा syllabus मिलता है free of cost from top educators of India. हम लोग पढ़ रहे थे chapter cell cycle and cell division और यहाँ पर हम लोग दो lectures complete कर चुके हैं. In the lecture number one हम लोगों ने introduction of the cell cycle लिया था and यहाँ पर हमने interface के बारे में जाना था. After that हम लोगों ने किया lecture number 2 जिसमें हमने mitosis की detailed discussion की. Now this is the final lecture or the grand finale of this chapter जिसके अंदर हम लोग meiosis के बारे में यानी reductional division के बारे में समझेंगे. And once you are done with meiosis ये chapter आपका खत्म हो जाएगा. Significance of meiosis आप लोग जान लेंगे. And after that हम लोग इस पूरी unit के किसी भी question को solve कर पाएंगे तो हम लोग question practice की तरफ फिर बढ़ सकते हैं एंड हम लोग अगले यूनिट भी स्टार्ट कर सकते हैं जो कि हम आज डिस्कस कर लेंगे एट द एंड ऑफ द डे कि आपको कौन सी यूनिट पढ़नी है. राइट, सो वेलकम एंड जस्ट लेट मी नो वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट सो दैट वी कैन स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल सेशन अप. तो जब तक और बच्चे जुड़ते हैं हमारे साथ तब तक हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. तो गाइज दीज आर सम एकेडमिक क्रेडेंशियल्स ऑफ माइन, यू कैन हैव अ लुक इफ यू वॉन्ट, अदरवाइज लेट्स प्रोसीड. यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू अस वाया अनअकैडमीज लर्निंग ऐप. आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो अपने फोन के अंदर एंड जैसे ही आप इस ऐप को फोन में इंस्टॉल करोगे आपके पास ऑप्शंस आएंगे टू चूज योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन. वहां पर आप नीट यूजी क्लिक करिए और एक इनविटेशन कोड आपको डालना पड़ेगा. वो इनविटेशन कोड आप डाल सकते हैं कैपिटल VIPIN. इससे आप किसी भी टीचर की कोई भी स्पेशल क्लास फ्री में देख सकते हो और किसी भी टेस्ट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो. तो विपिन कोड को डालना बहुत जरूरी है, इसे आप मार्क कर सकते हैं. देन आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन उठा सकते हैं. प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है? इट इज द पेड सब्सक्रिप्शन जहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया. तो ये टॉप एजुकेटर्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का पूरा सिलेबस आपको कंपाइल करके देते हैं बिफोर नीट एग्जामिनेशन, वो भी अच्छे तरीके से, क्योंकि देर आर 60 प्लस टॉप एजुकेटर्स. तो आप अपने एजुकेटर्स या टीचर्स भी खुद डिसाइड कर सकते हैं, खुद चुन सकते हैं, खुद शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं. द कोर्सेज आर गोइंग टू बी स्ट्रक्चर्ड. जैसे इस महीने मेरा जो कोर्स चल रहा है दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी. तो मैं एक यूनिट उठाता हूँ 11th क्लास की, एक यूनिट उठाता हूँ 12th क्लास की एंड इन दोनों को कंप्लीट करा देता हूँ. लाइव टेस्ट और क्विजेस होती हैं और डेली बेसिस पे आपको रैंक्स मिलती हैं. तो उन डेली रैंक्स के आधार पर आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो, जज कर सकते हो. एंड अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है आपको, यानी अनअकैडमी ने कोई भी अपर लिमिट सेट नहीं की है. किसी भी एजुकेटर की कोई भी वीडियो कितनी भी बार आप लोग देख सकते हैं, देयर इज नो इशू इन दिस. तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन उठा लें. अगर आप उन स्टूडेंट्स में से आते हो जो अपना टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज फॉर यू गाइस. यहाँ पर आपको एक आइकॉन मिलता है. आइकॉन मतलब आपका पर्सनल कोच. एक पर्सनल कोच जो है वो पेरेंट की तरह आपके ऊपर नजर रखता है, क्योंकि आपका सारा जो डेटा है अनअकैडमी से उस कोच के पास चला जाता है कि आपने कौन कौन सा टेस्ट दिया, उस टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आए, आपके किस चैप्टर में कितने मार्क्स आए, आपके किस टॉपिक में कितने मार्क्स आए. तो टेस्ट एनालिसिस जो है आपका कोच आप लोगों के लिए तैयार करता है कि आपको कौन सा टॉपिक में कितनी ज्यादा मेहनत करनी है. एंड देयर विल बी अ स्टडी प्लानर, यानी एक स्टडी ट्रैकर होता है जिसको आप लोगों को फॉलो करना है अपने कोच की रिकमेंडेशन पे, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए. प्लस के सारे बेनिफिट्स यहाँ पर हैं ही. तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको थोड़ा सा महंगा पड़ता है, प्लस ये सिर्फ बड़े पैक्स के साथ अवेलेबल है, जैसे कि 6 महीने का पैक, 1 साल का पैक और 2 साल का पैक. तो जब आप ये बड़े पैकेजेस उठाते हैं तभी आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिलेगा. एंड यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इनका रेट काफी ज्यादा है. तो रेट कम करने के लिए आपके पास एक अल्टीमेट सोल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड एज विपिन कोड. विपिन कोड जब आप अप्लाई करते हो तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है. आप मेरे बैच में आ जाते हो, आपको मेरे सारे नोट्स मिल जाते हैं एंड मेरी 10,000 क्वेश्चंस की एक लेक्चर सीरीज चल रही है, आपको 10,000 क्वेश्चंस मिल जाते हैं अलॉन्ग विद देयर आंसर्स एंड सॉल्यूशन. तो प्लीज यूज दिस कोड विपिन टू गेट एनरोल्ड. इससे आपकी फीस कम हो जाएगी जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं. देन आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी उठा सकते हैं. प्लस सब्सक्रिप्शन जब आप उठाएंगे सो इट स्टार्ट्स विद 1 month सब्सक्रिप्शन और ये पहुंचते 2 साल के सब्सक्रिप्शन तक जा सकता है. और 1 साल और 2 साल की फीस कंपैरेटिवली आपकी कम है. जैसे यहां पर आपकी फीस है 1 महीने की 7,000 रुपए, लेकिन 1 साल के पैक में ये 3,000 के आसपास है और 2 साल के पैक में सिर्फ 2,300 रुपए के आसपास है. और ये फीस और कम हो जाती है जब आप विपिन कोड का इस्तेमाल करते हैं. तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस कोड को यहां पर भी यूज करें, इससे आपकी फीस और कम हो जाएगी और आप टॉप बैचेस ऑफ इंडिया में एंट्री पा लोगे. जैसे हमारे थ्योरी के जो टॉप बैचेस हैं वो है अल्फा अचीवर्स बैच, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स
जो कि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुके हैं, जिनका एक्सपीरियंस 15 से 20 साल तक का है, वो आपको थ्योरी पढ़ाएंगे एंड आप बचे हुए इंडिविजुअल बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ अगर आपको क्वेश्चंस के लिए कोई बैच चाहिए या रिविजन्स के लिए बैच चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 15,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस की अलग से सीरीज चल रही है। मैंने भी 10,000 क्वेश्चन की सीरीज अलग से चला रखी है, तो आप उन दोनों में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड अल्टीमेटली यू विल बी श्योरली क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन अप। सो अनीस गुड मॉर्निंग, सलीनी गुड मॉर्निंग, देन सलोनी गुड मॉर्निंग, प्रशांत गुड मॉर्निंग, यथार्थ गुड मॉर्निंग, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस एंड मियोसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहां से क्वेश्चन जो बनेगा मेरे दोस्त, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका प्रोफेज वन से। तो मैंने अभी मियोसिस में एक टर्म का इस्तेमाल किया प्रोफेज वन, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये प्रोफेज वन होता क्या है। जो मियोसिस है ये आपका दो टाइप की होती है या फिर इसमें दो पार्ट्स होते हैं। जो मियोसिस है इसमें दो पार्ट्स होते हैं। ओके सर्वजीत गुड मॉर्निंग, ऋतुजा गुड मॉर्निंग, हनुमंत आपा नमस्ते यार, अनीस यस्टरडे आई वाज नॉट फीलिंग वेल इन द मॉर्निंग दैट्स व्हाई आई स्किप्ड द क्लास एंड देयर वर सम सॉर्ट ऑफ इंटरनेट इश्यूज सो जस्ट बिकॉज ऑफ कोल्ड आई ट्राइड नॉट टू टेक द क्लास। सो मियोसिस हैज टू पार्ट्स। ओके द वेरी फर्स्ट पार्ट यू शुड कंसिडर इज मियोसिस वन। द वेरी फर्स्ट पार्ट दैट यू शुड कंसिडर इज मियोसिस वन एंड द सेकेंड पार्ट दैट यू शुड कंसिडर इज मियोसिस टू। यानी कि यहां पर मियोसिस के दो पार्ट होते हैं, पहला आपका मियोसिस वन एंड दूसरा आपका मियोसिस टू। अब आपने माइटोसिस के अंदर देखा था कि आपके कैरियोकाइनेसिस के चार फेजेस होते हैं, पी मैट। ओके पी मैट दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सिमिलर जो है कंडीशन आपकी यहां पर देखने को मिलती है, तो यहां पर भी आपका पी मैट होगा यानी प्रोफेज, लेकिन यहां पर सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ मियोसिस वन तो आप यहां पर नाम लगा दोगे प्रोफेज वन। फिर आपका मैट यानी एम दैट इज मेटाफेज तो आप यहां पर नाम लगा दोगे मेटाफेज वन। देन आपका एनाफेज वन एंड देन आप यहां पर सबसे नीचे लगा दोगे टीलोफेज वन। तो ये जो वन मैंने बोला था ये कहां पर आएगा, ये आपका मियोसिस वन के अंदर आएगा। सो प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन, ये क्या हो गए, ये आपके इवेंट्स हो गए जो कि मियोसिस वन के अंदर आएंगे। फिर मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, थोड़ी सी देर का गैप होता है। इस गैप को आप क्या बोलते हो, इस गैप के ऊपर क्वेश्चन बनता है, कोई बताना चाहे तो बता सकता है। ये जो गैप प्रेजेंट होगा मेरे दोस्त मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में, इसको आप क्या बोलोगे। ओके सलीनी सेइंग रिडक्शनल डिवीजन, दैट इज ट्रू, मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन, लेकिन मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, कुछ टाइम आपको रेस्ट मिलता है। व्हाट इज दैट पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड, द टाइम इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस। अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूं, ये आप आगे पढ़ोगे एनसीईआरटी में मेंशन है, इसे आप इंटरकाइनेसिस बोलते हो, राइट, यू कॉल दिस टाइम इंटरकाइनेसिस। तो शुभम, संदीप गुड मॉर्निंग, इट इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस। देन आपका मियोसिस टू स्टार्ट हो जाता है। अगर मियोसिस टू स्टार्ट हुआ है तो इसके फेजेस को हम क्या बोलेंगे, प्रोफेज टू, बिल्कुल बेसिक सी बात है, मेटाफेज टू, ओके एनाफेज टू एंड टीलोफेज टू। और यहां पर जो सबसे बड़ा फेज होता है मेरे दोस्त, ये जो सबसे बड़ा फेज होता है इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोफेज वन। और इसी में से आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अगर कहीं से बनेगा तो वो आपका प्रोफेज वन से ही बनेगा, क्योंकि प्रोफेज वन इज इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू, इज इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू फाइव फेजेस, जिसको हम एक ट्रिक से याद करते हैं, ला जरा पेन दे दे या ला जरा पानी दे दे। सो दिस इज इटसेल्फ अ ट्रिक टू अंडरस्टैंड द फाइव फेजेस ऑफ प्रोफेज वन। अब एल का मतलब क्या है ला के अंदर, इसका मतलब है लेप्टोटी, इसका मतलब है लेप्टोटी। जेड का मतलब यहां पर पड़ता है आपका जाइगोटी, जाइगोटी। पानी यानी पी का मतलब यहां पर पड़ता है मेरे दोस्त पकाइटीन, ओके पकाइटीन। देन यहां पर डी का मतलब पड़ता है आपका डिप्लोटीन एंड जो लास्ट डी है इसका मतलब पड़ता है आपका डायाकाइनेसिस। तो एंड में दो डी आ रहे हैं तो इसमें से आपको कैसे याद करना है कि कौन सा डिप्लोटीन होगा कौन सा डायकाइनेसिस,
नाम के अंदर चले जाओ, देखो लेप्टोटीन सबसे पहले वाले कैन में टीन आ रहा है, देन जाइगोटीन इसमें भी टीन है, पकाइटीन इसमें भी टीन है, तो पहले जो डी आएगा इसमें भी एंड में टीन होना चाहिए टू मेक द सिंक्रोनाइजेशन। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, डिप्लोटीन हो जाएगा। इसके बाद जो सबसे अलग नाम है ये आपका डायकाइनेसिस आ जाएगा इनटू कंसिडरेशन, राइट। तो यहां पर क्या है, प्रोफेज वन से क्वेश्चन इसलिए आएगा क्योंकि प्रोफेज वन काफी बड़ा है, इसके अंदर काफी सारी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, सच एज लेप्टोटीन जहां पर क्रोमोसोम आपका कंडेंस करता है, क्योंकि प्रोफेज में क्या कर रहा था, आपका क्रोमोसोम कंडेंस कर रहा था, क्रोमोसोम इज गेटिंग कंडेंस्ड इन प्रोफेज, एंड मेटाफेज में बाद में वो इक्विटोरियल प्लेट पे अलाइन हो रहा था, राइट, ये मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन हो रहा था। तो आपको यहां पर ये देखना है कि थ्रू आउट प्रोफेज आपका क्रोमोसोम कंडेंस होता है, लेकिन मियोसिस वन के प्रोफेज में कंडेंसेशन के साथ साथ कुछ और प्रोसेसेस भी होती है, क्योंकि मियोसिस में जो चार सेल बनेंगे वो कैसे होंगे, चारों सेल अलग अलग होंगे। हम लोगों ने माइटोसिस में देखा था कि माइटोसिस में इफ दिस इज वन सेल और ये आगे चल के डिवाइड होकर आपके दो सेल बना रहा है, तो ये दोनों सेल आपके एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं, दीज आर सेम सेल, इनकी जेनेटिक कॉम्पोजिशन भी सेम रहेगी। अगर मदर सेल डिप्लॉयड है तो डॉटर सेल भी डिप्लॉयड बनी, अगर मदर सेल हैप्लॉयड है तो डॉटर सेल भी हैप्लॉयड बनी, ये वाला केस आपको देखने को मिलता है इन माइटोसिस, लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं है। मियोसिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, यानी यहां पर अगर आप डिप्लॉयड सेल के अंदर मियोसिस कराते हो तो आपको जो रिजल्टेंट सेल मिलेंगे वो चार सेल्स होंगे, लेकिन ये चारों के चारों सेल कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन मैंने बोला है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके रिड्यूस हो जाएंगे, यानी डिप्लॉयड से ये हैप्लॉयड कॉम्पोजिशन पर पहुंच जाएंगे। सो चार जो सेल्स बने वो आपके डिफरेंट बने, क्योंकि यहां पर क्रॉसिंग ओवर नाम का एक फेनोमेना भी होता है, तो इनके जेनेटिक फ्रेगमेंट्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, ये एक दूसरे को अपने कुछ कुछ पार्ट दे देते हैं, तो चारों जो सेल बनेंगे उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो मियोसिस के बारे में डिस्कशन करते हैं यार, एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एस्पेक्ट, बिल्कुल बेसिक एस्पेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो दिस टर्म मियोसिस वॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट फार्मर एंड मूरे, फार्मर एंड मूरे साहब ने यह टर्म दी थी, एंड इट हैज बीन स्टडीड बाय बेनेडिन, विनी वॉटर एंड स्ट्रेसबर्गर। तो स्ट्रेसबर्गर का जो नाम था ये आपका माइटोसिस में भी आपको देखने को मिला था, यहां पर बेनेडिन और विनी वॉटर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने मियोसिस को समझा, एंड आफ्टर दैट जो टर्म थी मियोसिस ये फार्मर एंड मूरे साहब ने दी। सिर्फ ये बात आपको याद करनी है क्योंकि यही बात आपसे यूजुअली पूछी जाती है इन द एग्जामिनेशन। नाउ इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन, यानी ये जो मियोसिस है ये रिडक्शनल डिवीजन है, क्यों, क्योंकि इसमें आपका क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है टू हाफ, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। अगर आप एक सेल लिए हैं जो कि टेट्राप्लॉयड है तो ये डिवीजन के बाद डिप्लॉयड हो जाएगा, अगर आपने एक सेल लिया है जो डिप्लॉयड है तो ये डिवीजन के बाद हैप्लॉयड हो जाएगा, एंड सो ऑन। क्या कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैं हैप्लॉयड सेल ले लूं तो इसका क्या होगा मियोसिस में, या फिर मियोसिस होगी भी या नहीं, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को गौर से सुनना और सुनने के बाद ही इसका रिस्पॉन्स देना। अगर एक हैप्लॉयड सेल है तो क्या उसके अंदर मियोसिस होगी, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू गाइस। अहमद रजा इज सेइंग नो, सुभाजीत इज सेइंग कैन नॉट हैपन, संदीप कुमार सेइंग नो, सॉरी, ऑल राइट। सो इट्स वेरी गुड कि आप लोगों को पता है अहमद रजा इज सेइंग सर्वाइव नहीं करेगा, दैट्स ट्रू। तो एक बार इसके पीछे का कंसेप्ट देख लेते हैं और जान लेते हैं कि हैप्लॉयड सेल के अंदर मियोसिस क्यों नहीं हो सकती, Why it is not possible to do the meiosis in a haploid cell? अगर एक haploid cell है तो उसके अंदर जो genetic complement है वो आपका पहले ही क्या है, वो आपका पहले ही haploid complement। समझ लो कि इसके अंदर मेरे दोस्त, इसके अंदर आपका हो भी गया है meiotic division। Let's say इसके अंदर meiosis हो गई कैसे ना कैसे। अगर meiosis हो गई तो genetic material कितना पहुंचेगा नीचे की side में, half पहुंचेगा। अब समझ लो सिर्फ ये वाले genes पहुंचे डॉटर सेल्स के अंदर, लेकिन एक इंसान को या फिर किसी भी दुनिया के सेल को सरवाइव करने के लिए जीन्स चाहिए जो कि प्रोटीन बनाएंगे। अब ये वाले सारे जीन्स तो पहुंचे ही नहीं आपके अगली जनरेशन में, अगर ये सारे जीन्स नहीं पहुंचे तो कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहे होंगे ना यार, 50% ऑफ द जीन्स है, कुछ तो इंपॉर्टेंट फंक्शन कर ही रहे होंगे किसी भी इंडिविजुअल के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर सीधा 50% आप रिडक्शन कर देते हो तो यू कांट सर्वाइव।
आपने सिकल सेल अनेमिया में देखा था कि एक आपका म्यूटेशन भी अगर हो जाता है, एक सिंगल प्लेस पे अगर म्यूटेशन भी हो गया नाइट्रोजनस बेस पे, तो भी आपकी बॉडी में बहुत बड़ी डिजीज हो जाती है। तो यहां पर तो आपने क्या किया है, यहां पर तो आपने 50% जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट्री खत्म कर दिया है। यानी अगर आप ह्यूमन का हैप्लॉयड जीनोम लो तो इट इज गोइंग टू बी 3.3×10⁻⁹ बेसिस। यानी इसको अगर आप आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1.6×10⁻⁹ बेसिस। यानी आपने लगभग अपने 10 से 15,000 या 20,000 जीन्स खत्म कर दिए। जब एक जीन में म्यूटेशन से ही इतनी बीमारियां हो रही है, तो अगर आप 10 से 15,000 जीन्स गायब कर दोगे तो कितनी बीमारियां होंगी आप समझ सकते हो। बीमारियां होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, इस प्रकार के सेल्स आपके बन ही नहीं सकते, राइट। इस प्रकार के सेल या प्रोजेनी आपकी नहीं बन सकती। इसलिए कहा जाता है कि हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में कभी भी आपका मियोसिस नहीं होती, बिकॉज n/2 cannot survive। इसलिए आपका सिर्फ डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में यह देखने को मिलता है। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। चलो अब यहां पर देखो कि ये किस किस काम में आता है, दैट इज वेरी वाइटल। इट इज द डिवीजन ऑफ डिप्लॉयड जर्म सेल्स दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, फॉर्मिंग हैप्लॉयड डॉटर सेल्स या गैमेट। आपके जो जर्म सेल्स होते हैं, दीज आर डिप्लॉयड, जिनको आप मदर सेल्स भी बोलते हो या मियोसाइट भी बोलते हो। जैसे स्पर्म के केस में आपका स्पर्म मदर सेल है या फिर आपका स्पर्मेटोगोनिया है, तो स्पर्मेटोगोनिया आपका कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। और ये स्पर्मेटोगोनिया जो डिप्लॉयड है, ये आपका मियोसिस कर करके क्या बना लेगा, स्पर्म बना लेगा, विच इज हैप्लॉयड इन नेचर। सिमिलरली आपका फीमेल के केस में ऊगोनिया हो सकता है। अब ऊगोनिया भी आपका डिवाइड कर करके क्या बनाएगा, आपका एग बनाएगा या फिर आपका ओवम बनाएगा, जो कि आपका हैप्लॉयड होगा। सो दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ओके, इट अकर्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो का मतलब होता है गैमेट और जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन। यानी जब आपकी गैमेट फॉर्मेशन हो रही है, जब सेल से हैप्लॉयड सेल बना रहे हो, तो उस टाइम पर आपको रिडक्शन की आवश्यकता है, तो आप मियोसिस को ही फॉलो कर रहे होगे। इट लीड्स टू द हैप्लॉयड फेज इन द लाइफ ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, और फर्टिलाइजेशन आपका डिप्लॉयडी को रिस्टोर कर लेता है। तो ये बात यहां पर समझने की कोशिश करना, ये बात यहां पर समझने की कोशिश करना कि क्या बोला गया है। देखो यार, यहां पर एक मेल है, यहां पर एक मेल है। ओके, मेल है, तो हम लोग यहां पर क्या कर देते हैं, इसकी मूंछ बना देते हैं। ओके, ये मेल है एंड यहां पर एक फीमेल है। अगर फीमेल है तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहां पर इसकी चोटी बना देते हैं, रिबन वाली। ओके, सो ये जो मेल है, इट इज अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, इसके नॉर्मल सोमेटिक सेल्स जो होते हैं डिप्लॉयड होते हैं। और यहां पर जो फीमेल है, शी इज ऑल्सो डिप्लॉयड, इसके भी जो नॉर्मल सोमेटिक सेल्स है वो डिप्लॉयड है। तो यहां पर क्या होगा मेरे दोस्त, जब ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म आपका मियोसिस के थ्रू जाएगा, एंड जब ये वाली बहन जी आपकी मियोसिस के थ्रू जाएंगी, तब क्या हो जाएगा, इनके अंदर रिडक्शनल डिवीजन है, तो रिडक्शन हो जाएगा क्रोमोसोम का। रिडक्शन हुआ क्रोमोसोम का, तो यहां पर आपकी क्या बने, गैमेट बने, गैमेट बने। इन द सेंस, यहां पर आपका स्पर्म बन गया, डिप्लॉयड था, मियोसिस हुई, तो ये कैसा हो जाएगा, हैप्लॉयड हो जाएगा। देन आपका यहां पर मियोसिस हुई, डिप्लॉयड सेल से कैसा ओवम बनेगा, आपका हैप्लॉयड ओवम बनेगा, हैप्लॉयड ओवम बनेगा। अब ये दोनों क्या करेंगे, एट द टाइम ऑफ यू नो फर्टिलाइजेशन, ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे। तो दोनों गैमेट्स आए और आपके फ्यूज कर गए, एन प्लस एन कितना हो जाएगा, आपका 2n हो जाएगा। तो यहां पर जो आपका रिजल्टेंट जाइगोट बना, जो कि आपकी पूरी बॉडी को तैयार करेगा, ये जाइगोट कैसा बना, आपका 2n बना। ओके, ये जाइगोट आपका 2n बना। तो यहां पर देखो मेरे भाई, अगर आपके पेरेंट्स डिप्लॉयड थे तो आपका भी तो डिप्लॉयड होना जरूरी है ना। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स में रिडक्शनल डिवीजन नहीं होती, तो क्या आपका भी डिप्लॉयड बन पाते, नहीं। अब ये जो मैं बात समझा रहा हूं, इसको गौर से समझने की कोशिश करना कि मैंने यहां पर बोला क्या है। समझ लो, दुनिया का पहला आपका ह्यूमन है तो वो डिप्लॉयड था, समझ लो दुनिया का पहला एनिमल डिप्लॉयड था। अब इसमें अगर समझ लो मियोसिस होती नहीं है, तो इसमें गैमेट किससे बनेंगे, माइटोसिस से, तो डिप्लॉयड से डिप्लॉयड गैमेट बना, यहां से भी डिप्लॉयड से डिप्लॉयड गैमेट बना, ये दोनों फ्यूज कर गए, तो क्या हो गया, अब आपका जो बच्चा बना है दैट इज टेट्राप्लॉयड। अब बच्चा बना है टेट्राप्लॉयड। अब ये टेट्राप्लॉयड आगे जाके किसी डिप्लॉयड या टेट्राप्लॉयड से मीट करेगा, देन बच्चा आपका क्या बनेगा, बच्चा आपका बनेगा ऑक्टाप्लॉयड। एंड सिमिलरली फिर ये ऑक्टाप्लॉयड किसी और डिप्लॉयड या हेक्साप्लॉयड या ऑक्टाप्लॉयड से मीट करेगा, एंड बच्चा आपका और ज्यादा प्लॉयडी का बनेगा।
तो हमारी अगली जनरेशन कभी भी हमारे जैसी नहीं हो सकती अगर मियोसिस ना हो तो। इसीलिए दिस मियोसिस इज ऑफ हाई सिग्निफिकेंस, इसीलिए मियोसिस हाई सिग्निफिकेंस की है क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से ये हैप्लॉयड गैमेट बना देती है, और जब ये हैप्लॉयड गैमेट बनेंगे तभी पॉसिबिलिटी है कि आपका डिप्लॉयड जायगोट बने और आपकी जिंदगी नॉर्मल फेज पे चलती रहे, नॉर्मल पेस पे चलती रहे, राइट। चलो बिंग लेजेंड्स, गुड मॉर्निंग यार, अजय वर्मा गुड मॉर्निंग, आई होप यू गॉट दिस अप। तो अगर हमारी मियोसिस यहां पर नहीं होती तो हर जनरेशन में हमारी प्लॉयडी बढ़ती चली जाती है, हम डिप्लॉयड से टेट्राप्लॉयड हो जाते, टेट्राप्लॉयड से ऑक्टाप्लॉयड हो जाते, एंड सो ऑन। दैट्स व्हाई मियोसिस इज ऑफ हाई सिग्निफिकेंस। अब देख लेते हैं की फीचर्स ऑफ मियोसिस, यानी मियोसिस में आपका होता क्या है, कौन कौन से फेजेस होते हैं जो कि हमें पढ़ने हैं इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। इट इन्वॉल्व्स टू साइकिल्स बट ओनली वन साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि यहां पर डीएनए एक बार रेप्लिकेट होगा लेकिन सेल दो बार डिवाइड होगा। इतनी प्यारी बात है यार, अगर तुम इस बात को समझ गए यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड ग्रेस्प एट दिस टॉपिक। हमने माइटोसिस में क्या पढ़ा था यह समझने की कोशिश करना, हम लोगों ने माइटोसिस में क्या पढ़ा था, माइटोसिस में हमने ये देखा कि आपका डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है एक बार, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है एक बार और सेल आपका डिवाइड कर रहा है एक बार। अगर आपने एक बार अपनी चीजों को डबल कर दिया और एक बार चीजों को आधा कर दिया तो ओवरऑल सम कितना बचा, ओवरऑल सम कितना बचा, ये आपका ओरिजिनल अमाउंट ही तो बचा। समझ लो कि आपके पास 100 रुपए थे, आपके पास 100 रुपए थे मेरे दोस्त, आपने उस 100 रुपए को पहले डिवाइड किया यानी मल्टीप्लाई किया एंड यू मेड इट 200, आपने इसे 200 बना लिया, ठीक है, और इस 200 को फिर आपने दो बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, दो डॉटर सेल्स के अंदर, तो आपने 100-100 रुपए दोनों डॉटर सेल्स को दे दिए, तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ओवरऑल प्रोडक्ट हो जाएगा इनिशियली भी आपके पास 100 रुपए थे और आपकी डॉटर सेल्स के पास भी 100 रुपए है। तो ये इक्वेशनल डिवीजन है या रिडक्शनल डिवीजन है, इज इट इक्वेशनल डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन। इसीलिए आपके माइटोसिस को क्या बोला गया, इसीलिए आपकी माइटोसिस को बोला गया इक्वेशनल डिवीजन, ओके, इसीलिए आपकी माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोला गया, क्यों, क्योंकि एक बार इसने पैसे डिवाइड किए और एक बार इसने पैसे जो है आपने दो इलाकों में भेज दिए। अब देखो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिवर्स केस, अब इन दिस केस दैट इज मियोसिस द मल्टीप्लीकेशन इज अकरिंग ओनली अ सिंगल टाइम। लेट से यू हैड 100 रुपीज, आपके पास 100 रुपए है, अगर आपके पास 100 रुपए है और आपने एक ही बार इसे मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास कितने रुपए हो गए, अब 200 रुपए हो गए, लेकिन अब आपको इसे डिवाइड करना है दो बार, यानी 200 रुपए को अगर आप बेसिकली डिवाइड करोगे दो डॉटर सेल में तो 100-100 रुपए आप डिवाइड कर पाओगे, और दोबारा से आपकी अगर सेल डिवीजन हो रही है तो ये जो 100-100 रुपए है इसको आपको 50-50 करके चार डॉटर सेल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहला जो मेजर डिफरेंस है मियोसिस और माइटोसिस में वो ये है कि पहले तो यहां पर दो डॉटर सेल्स बनेंगी, ओके, दूसरा इनमें पेरेंट के बराबर कॉन्टेंट होगा। यहां पर क्या है, आपके चार डॉटर सेल्स बनी और इनमें पेरेंट से आधा कॉन्टेंट है क्योंकि पेरेंट के पास थे 100 रुपए लेकिन डॉटर सेल्स के पास है सिर्फ 50 रुपए, तो कितना हो गया, ये हाफ हो गया, हाफ हो गया। इसीलिए इसे कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन, इसीलिए इसे कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि पैसा यहां पर क्या हो गया है, हाफ हो गया। एंड पैसा हाफ होने की वजह आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, यहां पर जितने पैसे थे उसको आपने एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया और एक बार 2 से डिवाइड किया तो ओवरऑल प्रोडक्ट आपका सेम ही आ जाएगा, 100-100 आ जाएगा, लेकिन यहां पे आपने मल्टीप्लाई किया है एक बार और डिवाइड कर दिया है दो बार तो आपका आधा हो जाएगा ओरिजिनल अमाउंट से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द रिडक्शनल डिवीजन। तो ये बात समझना बहुत आवश्यक है, ओके। तो अब यहां पर देखो इट इन्वॉल्व्स द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकम्बिनेशन बिटवीन देम, यानी आपका जो मियोसिस है इसमें नई नई कॉम्बिनेशंस आपको बनती हुई दिखाई दे जाती है, इसमें आपके जो चारों सेल्स बनेंगे उनमें कुछ कुछ नयापन होगा, नई कॉम्बिनेशंस वहां पर देखने को मिलेंगी, क्यों, क्योंकि यहां पर एक प्रोसेस होता है जिसको आप बोलते हैं रिकम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, जिससे कि आपके दो जो क्रोमोसोम के आर्म्स हैं ये आपस में क्रॉस हो जाते हैं इस तरीके से एंड ये एक दूसरे के फ्रेगमेंट्स एक्सचेंज कर लेते हैं। मियोसिस वन बिगिंस आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ पेरेंटल क्रोमोसोम टू फॉर्म आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स इन द एस फेज, यानी एस फेज में जो कि आपका इंटरफेज का सिंथेटिक फेज था इसमें आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा।
इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा और उसके बाद दो बार सेल डिवीजन होगी, तो चार हैप्लॉइड सेल आपको देखने को मिलेंगे एट द एंड ऑफ मियोसिस टू। यानी नॉर्मली आपको एक सेल से दो सेल बनते हुए दिखाई दे रहे थे इन माइटोसिस, लेकिन मियोसिस में क्योंकि सेल डिवीजन दो बार होगा तो आपके चार सेल्स बनेंगे ओवरऑल। दैट इज समथिंग यू नीड टू एनालाइज। तो स्टेजेस ऑफ मियोसिस को समझने की कोशिश करना। मियोसिस में मैंने आपको बताया सबसे पहले होगा मियोसिस वन, जो कि आपका रिडक्शनल कहलाता है, जबकि आपका रिडक्शनल कहलाता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। एंड सेकंड जो आपकी स्टेज है इसे आप बोलते हैं मियोसिस टू, जो कि इक्वेशनल होता है। यानी मियोसिस टू जो है, मियोसिस टू आपका माइटोसिस जैसा होता है हर एस्पेक्ट में, कुछ कुछ चीजों को छोड़कर। तो मियोसिस टू आपका माइटोसिस जैसा होता है। ओके, देन यहां पर देखो मियोसिस वन के अंदर पीमैट होंगे, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। एंड यहां पर मियोसिस टू के अंदर प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू एंड टीलोफेज टू। सो अगर इनके एंड में वन लगा हुआ है तो हमें साफ साफ पता लग जाएगा कि ये मियोसिस वन के आपके फेजेस हैं, और अगर इनके एंड में टू लगा हुआ है तो हमें साफ साफ पता लग जाएगा कि ये आपके मियोसिस टू के फेजेस हैं, राइट। तो अब हम इनको एक सिक्वेंस में पढ़ने वाले हैं, और मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में छोटा सा गैप आता है। ओके, छोटा सा गैप आता है, इस टाइम गैप को आप क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इस टाइम को आप लोग कहते हैं इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस, राइट। चलो अमन सर, जी नॉट फेज में क्यों जाता है? सेल जी नॉट फेज में इसलिए जाता है कि अगर वो नॉर्मल एक्टिवेटेड स्टेट में पड़ा रहा तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी को भी यूटिलाइज करेगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम उन सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करें, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत कम एनर्जी बनती है। सो इसीलिए अपने प्रोसेस को एफिशिएंटली चलाने के लिए, अपनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को एफिकेसी से चलाने के लिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जहां पर एनर्जी नहीं देनी चाहिए वहां पर एनर्जी ना पहुंचे। तो इसीलिए कुछ सेल्स आपके जीवन को एग्जिट करते हैं एंड ये पहुंच जाते हैं जी नॉट सेल में, जब तक इन्हें डिवाइड नहीं करना। जब इन्हें सिग्नल मिल जाता है डिवाइड करने का तो ये दोबारा जीवन में एंटर करेंगे, सिर्फ तभी इन्हें एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी और इन सेल्स के जो प्रोसेसेस है वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगे। आप यहां पर देखो, ओके, जीनोट सेल का कोई एग्जांपल, कार्डियक सेल्स जो है ये आपके जीनोट में पड़े रहते हैं, ये आपके यूजुअली डिवाइड नहीं करते। ओके, एंड काफी लोग जो है, काफी सेल्स जो है ये परमानेंटली भी अरेस्ट हो जाते हैं और ये आपके दोबारा मुड़ करके जीवन में भी नहीं आ पाते। सो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ अ पर्टिकुलर सेल, राइट। चलो, तो प्रोफेज वन में क्या हुआ, प्रोफेज में क्या होता है आपको पता है, प्रोफेज में आपका होता है डीएनए का कंडेंसेशन या फिर आपका क्रोमेटिन का कंडेंसेशन। तो यहां पर भी प्रोफेज में क्या हुआ, देखो क्रोमोसोम आपको बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नॉट फुल फ्लेश्ड क्रोमोसोम, क्रोमोसोम आपके ऐसे होते हैं, क्रोमोसोम आपके ऐसे होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपका क्रोमोसोम नहीं बना है अभी, यानी कि इसमें कंडेंसेशन की प्रोसेस अभी भी चल रही है। फिर मेटाफेज जब आएगा तो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच हो जाएंगे एट द मेटाफेजिक प्लेट। मियोसिस की खास बात यह है कि इसमें दो मेटाफेजिक प्लेट बनती हैं, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो ये दो मेटाफेजिक प्लेट बना लेंगे, तो इनका डिवीजन काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो डिवीजन के लिए आपको कुछ बड़ा तिगड़म यहां पर नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, बस सेंटर पे से इन्हें डिवाइड कर देना है। ओके, यहां से तो ऊपर वाला जो क्रोमोसोम था, देखो ये ऊपर चला गया, नीले वाला कंप्लीट, ये जो आपका लाल वाला था ये भी आपका ऊपर चला गया, एंड फिर ये वाला नीचे वाला जो नीला है और नीचे वाला जो लाल है ये आपके नीचे के साइड में चले गए। ओके, एंड अल्टीमेटली इनके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप आ गई, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स यहां पर वापस आ जाएंगे, इसे आप क्या बोलते हैं, टीलोफेज वन। उसके बाद एक गैप आएगा जिसे आप बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, जो कि हम देख चुके हैं। इस इंटरकाइनेसिस के बाद मेरे दोस्त आएगा प्रोफेज टू। अब ये जो दोनों सेल बने हैं, अब ये दोनों सेल आपके किस में जाएंगे, मियोसिस टू के अंदर जाएंगे या प्रोफेज टू के अंदर जाएंगे। तो यहां पे ये ऑलरेडी क्रोमोसोम्स की फॉर्म में है तो इन्हें डीकंडेंस होने नहीं दिया जाता, इन्हें क्रोमोसोम की फॉर्म में ही रखा जाता है। बाद में ये मेटाफेजिक प्लेट बना लेंगे मेटाफेज टू के ऊपर। अब ये माइटोसिस जैसी मेटाफेजिक प्लेट बनी है तो इन क्रोमोसोम को आपको बीच में से फाड़ना होगा। अब ये क्रोमोसोम जब बीच में से फटेंगे मेरे दोस्त, तो इनकी एक क्रोमेटिड ऊपर की साइड चली जाएगी, क्रोमोसोम्स की एक एक क्रोमेटिड नीचे की साइड चली जाएगी। एंड सिमिलरली दूसरे सेल में भी आपका ऐसा ही होगा, एक क्रोमेटेड ऊपर, एक क्रोमेटेड नीचे। एंड अल्टीमेटली ये सेल्स जब डिवाइड होंगे तो इस सेल से दो सेल बने, एंड यहां पे जब डिवीजन होगा तो इस सेल से भी दो सेल बने,
अल्टीमेटली आपको चार डॉटर सेल्स देखने को मिल गए. ओके एग्जैक्टली शालिनी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंस. क्योंकि यहां पर आपका जो मियोसिस है, इसमें माइटोसिस से डिफरेंट यह है कि यहां पर दो मेटाफेजिक प्लेट बनती है, प्लस आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है हाफ हो रहा है. यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखो चार है, एक दो तीन और चार, समझने के लिए. लेकिन जो अगला सेल है इसके अंदर कितने पहुंचेंगे, इसके अंदर सिर्फ दो पहुंचेंगे. और यहां पर इसके अंदर कितने पहुंचेंगे, इसके अंदर भी सिर्फ दो पहुंचेंगे. बट यहां पर नीचे क्रोमोसोम का नंबर आपका कम नहीं हो रहा है. यहां पर कितने क्रोमोसोम है, एक और दो. तो यहां पर एक और दो ही पहुंचे हैं ऊपर वाले सेल में, एक और दो ही पहुंचे हैं नीचे वाले सेल में. इसीलिए आपकी जो मियोसिस टू होती है इसे हम इक्वेशनल बोलते हैं, कि आपकी माइटोसिस से मिलती जुलती है. और यहां पर ये जो मियोसिस वन है इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप रिडक्शनल बोलते हैं, कि ये आपकी एक्चुअल मियोसिस है जिसके अंदर रिडक्शन होता है, राइट. चलिए तो ये एक इंट्रोडक्शन था. हम लोग देखने वाले हैं कि आपका मियोसिस में होता क्या है. लेकिन मियोसिस को देखने से पहले इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द होमोलोगस क्रोमोसोम. हम ये जानना चाहते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम आपका होता क्या है. तो मैं आपको सारे के सारे इवेंट बता देता हूं कि यहां पर इवेंट क्या होने वाले हैं. ओके अगर मैं तुम्हें प्रोफेज की कहानी सुनाऊं, प्रोफेज वन की, तो प्रोफेज वन में आपके अलग अलग इवेंट होंगे. प्रोफेज वन में होगा आपका लेप्टोटीन. लेप्टोटीन का मतलब है लिप्टो, यानी कि यहां पर जो आपका इस प्रकार का क्रोमेटिन है जो कि खुला पड़ा रहता है सेल के अंदर, अब ये लिपटने लग जाएगा और ये एक दूसरे के ऊपर आकर के क्या बना लेंगे, इस प्रकार का एक क्रोमोसोम तैयार करने की कोशिश कर लेंगे. सो लेप्टोटीन में क्या होते हैं, लेप्टोटीन में आपके एक क्रोमेटिन फाइबर्स लिपट जाते हैं एक दूसरे से एंड एक क्रोमोसोम बनाना आपका स्टार्ट कर लेते हैं. तो लेप्टोटीन में सिर्फ यही होता है. ओके लेप्टोटीन में आपका जो क्रोमेटिन फाइबर है ये आपका क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट कर देगा. देन आप अगर देखोगे जाइगोटीन, ओके लेप्टोटीन के बाद अगर आप देखोगे जाइगोटीन, तो जाइगोटीन में एक अल्फाबेट आता है, दैट इज जेड. इस जेड का आप मिरर इमेज ड्रॉ करो, यहां पर आ जाएगा एस. एस से एक ही इंपॉर्टेंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस या फिर फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम एकदम पास पास आ जाएंगे और एक दूसरे के साइड में आकर के खड़े हो जाएंगे और एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स इन्हें जोड़ देगा. समझ लो कि ये आपका एक क्रोमोसोम है, ये आपका एक क्रोमोसोम है और इसके बगल में आ गया है आपका ये एक क्रोमोसोम. समझ लीजिए ये आपका एक क्रोमोसोम है एंड इसके बगल में आ गया है ये एक क्रोमोसोम. तो अब ये जो दोनों क्रोमोसोम है, इन दोनों क्रोमोसोम्स को जोड़ने का काम कौन करेगा, इन दोनों क्रोमोसोम्स को जोड़ने का काम करेगा एक प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स. और ये जो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स रहता है ये आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तैयार करता है. तो यहां पर ये जो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है ये इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के एक एक क्रोमेटिड को बिल्कुल अच्छे तरीके से कनेक्ट कर देगा. इसे आप बोलते हैं साइनेप्सिस. साइनेप्सिस मतलब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का बिल्कुल ऐसे पैरेलली जुड़ जाना और कंप्लीटली जुड़ जाना. ऐसा नहीं है एंड से हटा हुआ है या बीच से हटा हुआ है, अच्छे तरीके से आकर के ये एक दूसरे के बिल्कुल पास चिपक जाते हैं. दिस इज कॉल्ड एज द साइनेप्सिस. आफ्टर दैट अगर आप साइनेप्सिस के बाद देखें तो आपका एक जो प्रोसेस आता है इसे आप बोलते हैं पकाइटिन. पकाइटिन पकाइटिन में क्या होता है, पकाइटिन इज द ओनली फेज जिसमें सी अल्फाबेट आता है. आप लेप्टोटीन, जायगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस कहीं भी देख लो, सी अल्फाबेट कहीं और नहीं है, सिर्फ पकाइटिन में सी अल्फाबेट है. तो सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है मेरे दोस्त क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर और आप इसे रिकम्बिनेशन भी बोल सकते हो. यानी ये जो अब आपके होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में आए हैं इनमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर या रिकम्बिनेशन हो जाएगी. क्रॉसिंग ओवर मतलब ये जो आपके आर्म्स हैं क्रोमोसोम्स की, ये आर्म्स आपके ऐसे हो जाएंगे एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, इसीलिए इसका नाम क्या है, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा. और नीचे से ये अटैच रहेंगे क्योंकि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था तो ये ऐसे अटैच थी, अब इन्होंने ऐसे कर लिया है. दिस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर. तो इस हाथ का कुछ पार्ट टूट के इस हाथ पे आ जाएगा और इस हाथ का कुछ पार्ट टूट के इस हाथ पे चला जाएगा. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. एक बार समझने की कोशिश करो.
ये आपका एक क्रोमोसोम है, ये आपका एक क्रोमोसोम है, ओके, एंड देयर इज सम अदर क्रोमोसोम लेट्स से ऑफ ऑरेंज कलर, ये आपका एक और क्रोमोसोम, ओके। सो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपके होमोलोगस क्रोमोसोम के जो आर्म्स हैं ये दोनों आपस में क्या हो गई, क्रॉस हो गई, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, इनके बीच में आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अभी भी प्रेजेंट है इस तरीके से। तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो कि प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, ये आपका अभी भी प्रेजेंट है इन चीजों के बीच में। तो यहां पर देखो, यहां पे जो ग्रीन वाली आर्म है और ये येलो वाली आर्म है, इन्होंने आपस में ऐसे एक दूसरे को क्रॉस कर लिया। अगर ये ग्रीन वाली आर्म है और ये येलो वाली आर्म है, तो छोटा सा येलो वाली का पार्ट ग्रीन वाली पे पहुंच जाएगा, छोटा सा ग्रीन वाली का पार्ट येलो वाली पे पहुंच जाएगा। तो अगर मैं रिजल्टेंट स्ट्रक्चर यहां पर बनाऊं, इफ आई एम गोइंग टू फॉर्म द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर, तो कैसा बनेगा, तो आपका ऐसा बनेगा, ये जो आपकी ग्रीन वाली आर्म है ये हल्की सी हो जाएगी मेरे दोस्त आपकी येलो, ये जो ग्रीन वाली आर्म है ये हल्की सी हो जाएगी आपकी येलो, क्योंकि येलो वाले का छोटा सा पार्ट यहां पर आ चुका है रिकम्बिनेशन से, रिकम्बाइन होकर आ चुका है। एंड यहां पर अगर मैं बनाऊंगा आपका येलो वाला पार्ट, अगर मैं बनाऊंगा आपका यहां पर येलो वाला पार्ट, तो येलो वाला पार्ट आपका हल्का सा क्या हो चुका है, ये आपका हल्का सा हो चुका है ग्रीन, ये आपका हो चुका है ग्रीन, राइट। सो यहां पर आपके क्या हुए, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स एक्सचेंज हो जाते हैं अलग अलग पार्ट्स के। सो दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि मियोसिस में आपके जो चारों सेल्स बनेंगे, चारों सेल डिफरेंट होंगे, क्यों, क्योंकि इनमें ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मौजूद होंगे, किसी में ग्रीन और येलो आपका इंटरेक्ट कर जाएगा एंड अल्टीमेटली दे विल एक्सचेंज, और ये वेरिएबल लेंथ में एक्सचेंज होते हैं। तो आपके मियोसिस से बने हुए कोई भी दो सेल्स एक जैसे नहीं होते, हमेशा डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलती हैं, और इसी से आपको क्या मिलती है, सेक्सुअल डाइवर्सिटी मिलती है, और इसी से आपको क्या मिलते हैं, रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन मिलता है, यानी कि अगर आप में चेंजेस होंगे तभी आप बेहतर तरीके से अडेप्ट कर पाओगे इन दीज क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो अडेप्टेशन का जो फीचर है ये आपको कहां से मिलता है, आपको मियोसिस से मिलता है। देन आप देखोगे डिप्लोटीन, अब डिप्लोटीन में क्या होता है, गौर से सुनना मेरे दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो सारे की सारी चीजें देखो, ये आपका यू नो क्रोमोसोम है, सो दिस इज क्रोमोसोम, ये दोनों साथ में जुड़े तो क्या हुआ, साइनेप्सिस हुआ, दिस इज कॉल्ड एज द फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना, इसके बाद क्रॉसिंग ओवर हो गई, तो ये क्रॉसिंग ओवर है, नीचे से ही जुड़ा हुआ है, नीचे से ही जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यानी ये जो नीचे मेरी आर्म्स जुड़ी हुई है ये दूर दूर हो जाएंगे और ये यहां पर जुड़े रहेंगे, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर यहां पर जुड़ा रहेगा, बाकी पूरी आर्म अलग हो जाएगी, इसे आप क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। एंड देन अगर आप यहां पर देखोगे डायाकाइनेसिस, तो डायाकाइनेसिस में क्या हो जाएगा, दिस इज द फाइनल स्टेप, तो डायाकाइनेसिस में आपका ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर था ये भी टूट जाएगा, जो एक्स शेप स्ट्रक्चर था ये भी आपका टूट जाएगा, इसे आप कहते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मा, कियाज्माटा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्माटा, डन। आप देखो यार, ऑलराइट, देखो यार यहां पर क्या हुआ, पांचों के पांचों स्टेप्स को एनालाइज करने की कोशिश करो। इनिशियली द क्रोमेटिन वॉज प्रेजेंट, इट वॉज नॉट कंडेंस्ड, खुली खुली चीजें आपकी प्रेजेंट थी, वो कंडेंस्ड नहीं थी, बाद में क्या हुआ, या कंडेंस हुई, पैक हुई और क्रोमोसोम के फॉर्म में बन गई। अब ये दो क्रोमोसोम एक जैसे दिखते हैं, दीज आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम, ये पास पास आ गए, इनके बीच में प्रोटीन का एक लिंक बन गया, प्रोटीन की एक ब्रिज बन गई। सो जब ये आपके कंडेंस हुए, दैट वॉज लेप्टोटीन, क्योंकि ये लिपट गए हैं एक दूसरे से, ओके, दिस इज लेप्टोटीन। देन यहां पर ये पास पास आए और इन्होंने क्या बना लिया, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में। देन नीचे से ये आर्म्स जुड़ी हुई हैं, जो ब्लैक पार्ट है मेरे हाथ का ये जुड़ा हुआ है, एंड ये जो आपके अपर पार्ट था इन्होंने क्या कर लिया, इन आर्म्स ने क्रॉसिंग ओवर कर लिया, राइट, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करने लग गए, पहले पैरेलली प्रेजेंट थी, अब इन्होंने इंटरेक्शन कर ली, तो इनके कुछ पार्ट्स आपस में इंटरेक्ट हुए, दिस इज कॉल्ड एज रिकम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर। अब नीचे से जो मेरा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था टूटने लग गया, ये सिर्फ आपके दो पार्ट्स पर अटैच है, फिर ये दोनों पार्ट्स भी आपके अटैच हो जाएंगे। एक्स शेप स्ट्रक्चर को आप कियाज्माटा बोलते हो, ये कियाज्माटा भी जब आपका दूर दूर जाएगा तो दोनों क्रोमोसोम आपके एनाफेज में अपोजिट डायरेक्शन में भेज दिए जाएंगे, ओके।
ओके नेगा सर व्हाई लेट्स क्रैक नीट यूजी इंग्लिश वेरी बैडली नो फिजिक्स नो प्रॉपर क्लासेस यू आर लॉन्चिंग दैट चैनल 3 months अगो बट नॉट ऑन दैट चैनल सो एक्चुअली आई एम वर्किंग फॉर एन अकेडमी एज यू नो एंड वी आर गिवन डिफरेंट चैनल्स बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सो वी कांट प्रेडिक्ट देन ऑन व्हाट चैनल वी आर गोइंग सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज आई कैन बी स्टेबल ऑन माई चैनल बट हियर वी नीड टू वर्क ऑन डिफरेंट चैनल्स डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट्स okay and depending upon what authorities used to say us okay chalo all right pakaitin samjha dijiye pakaitin mein kya hoga ye hum ek baar detail mein dekhenge next slide mein pehle aap in panchon ke sequence ko note kar lijiye okay yahan par dekho leptotin ke andar aapka ye jo chromatin tha ye lipat jayega lepto ka matlab lipat jayega aur aapka ek complex chromosome taiyar kar lega done condensed chromosome taiyar kar lega जाइगोटिन में Z का अपोजिट बनाओ मिरर इमेज S दैट इज साइनेप्सिस तो यहां पर ये जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये आकर दो होमोलोगस क्रोमोसोम को जोड़ देगा देन पकाइटिन में C आता है यहां पर आपका क्रॉसिंग ओवर होगा और रिकम्बिनेशन होगा रिकम्बिनेशन कैसे होगा इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा देन डिप्लोटिन में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आपका टूट जाएगा एंड डायकाइनेसिस में आपका कियाजमाटा जो है ये भी अलग हो जाएगा और दो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे राइट सो लेट्स स्टार्ट एक बार देख लेते हैं कि हमें क्या क्या यहां पर समझना है तो मियोसिस वन में सबसे पहले एंटर करते हैं इन द प्रोफेज वन विच इज द फर्स्ट पार्ट ओके तो प्रोफेज वन के अंदर एंटर हम कर देते हैं तो इट इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इलेबोरेट एंड लॉन्ग जाहिर सी बात है लॉन्गर और कॉम्प्लेक्स फेज है क्यों क्योंकि प्रोफेज वन के अंदर 5 phases अलग से है 5 sub-phases अलग से है सो इट इंक्लूड्स 5 phases बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर क्रोमोसोम के बिहेवियर को देखते हुए यहां पर 5 अलग-अलग फेजेस तैयार किए गए हैं पहला फेज है आपका लेप्टोटीन जहां पर आपका क्रोमोसोम की कंडेंसेशन आपकी होगी लेप्टोटीन कंडेंसेशन हर जगह ही होगी प्रोफेज क्योंकि कंडेंसेशन ही करवाता है लेकिन यहां पर आपकी मैक्सिमम कंडेंसेशन देखने को मिलती है देन जाइगोटी तो जेड का अपोजिट ड्रॉ करो दैट इज एस तो यहां पर आपका साइनेप्सिस या साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आपका बनेगा देन आपका पकाइटिन यहां पर जो आपका सी है मेरे दोस्त इसका मतलब यहां पर क्रॉसिंग ओवर या फिर आपका रिकम्बिनेशन होगा देन आपका डिप्लोटीन जहां पर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बना था आपका जाइगोटिन में ये टूट जाएगा एंड आपका लास्ट फेज दैट इज डायकाइनेसिस ये आपका डायकाइनेसिस जो है ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें आपका टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाटा हो जाएगा डन चलो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम ओके न्यूक्लियर एनवेलप यहां पर देखने की कोशिश करो न्यूक्लियर एनवेलप आपका इनिशियली प्रेजेंट है क्योंकि ये प्रोफेज के एंड में गायब होता है तो इसे कभी भी स्टार्टिंग में गायब मत करना यहां पर देखो अगर आप एंड का डायग्राम देखोगे यहां पर ये गायब हो रहा है अगर आप अपर राइट हैंड साइड में देखोगे देन यहां पर आपका गायब हो रहा है क्या न्यूक्लियर एनवेलप राइट न्यूक्लियर एनवेलप इज गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड लेकिन इनिशियली अगर आप देखोगे लेप्टोटीन जाइगोटीन पकाइटीन डिप्लोटीन में ये अच्छे खासे तरीके से आपका प्रेजेंट है तो यहां पर देखो मेरे दोस्त यहां पर जो डीएनए है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन और ये आपका धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट हो चुका है लेकिन इट इज नॉट द क्रोमोसोम इट हैज नॉट फॉर्म द क्रोमोसोम येट सो यहां पर क्या होगा लेप्टोटीन के अंदर आपका कंडेंस होना स्टार्ट हुआ है देखो दीज आर द क्रोमेटिड्स बट दीज आर नॉट फुल्ली पैक्ड येट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम तो यहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है डन सो लेप्टोटीन या फिर लेप्टोनेमा में क्या होता है यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है क्रोमेटिन फाइबर्स बिकम लॉन्ग स्लेंडर क्रोमोसोम्स आफ्टर कंडेंसेशन यानी कि जैसा लेप्टोटीन में मैंने आपको बताया था जो फ्रेगमेंट्स है जेनेटिक ये अपने आप में लिपट जाएंगे ओके एक दूसरे से लिपट जाएंगे एंड दे विल बी मोर कंडेंस्ड क्रोमोसोम ग्रेजुअली बिकम्स विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप क्योंकि अब कंडेंस हो चुके हैं तो इन्हें देखना आसान हो जाएगा देखो यार ये एक खुली चीज है ये एक ऊन का धागा है एंड ये एक ऊन का गोला है किस चीज को आप आसान तरीके से देख पाओगे नेकेड आई से किस चीज को आप आसान तरीके से देख पाओगे ए और बी प्लीज मार्क इट अप एक बार बताओ कि इन दोनों में से देखने में कौन आसान है नेगा आई विल बी डूइंग दैट ऑन माई चैनल डोंट वरी ओके बट देर इज अ वे ऑफ टेलिंग इट ओके जस्ट आस्क फॉर समथिंग एंड यू विल बी गेटिंग इट दुनिया में बहुत सारा कॉन्टेंट है एंड अल्टीमेटली आपको मिल ही जाएगा और हम भी प्रोवाइड करा देंगे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं अहमद वेरी गुड यार बी इज द करेक्ट आंसर
बी इज द करेक्ट आंसर. डन. क्योंकि यहां पर देखो इट इज वेरी थिन एंड डेलिकेट पार्ट, बट हियर इट इज गोइंग टू बी द पैकेज पार्ट और द मोर कंडेंस्ड पार्ट. तो सिमिलरली जब आपका जो क्रोमेटिन फाइबर रहता है ये भी कंडेंस होकर आपका क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट करता है, तो यहां पर भी आपको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ये चीजें देखने को मिल जाएंगी. अब देखो अगला फेज. अगले फेज में क्या होगा मेरे दोस्त, अगले फेज में जिसे आप जाइगोटिन कहते हो या जाइगोनेमा कहते हो, यहाँ पे क्रोमोसोम बिकम मोर कंडेंस्ड, क्रोमोसोम और कंडेंस हो जाएंगे. यहां पर आप देख सकते हो कि अच्छे तरीके से ये और पैक हो चुके हैं. द क्रोमोसोम बिकम मोर कंडेंस्ड एंड ये आपके साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, यानी ये जो दो क्रोमोसोम है जब ये आपस में आएंगे तो ये बिल्कुल पैरेलली एक दूसरे से जुड़ जाएंगे. तो सिमिलर होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, इसे आप साइनेप्सिस बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड एज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है. इस बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं. ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज बाइवेलेंट. तो सबसे पहले मुझे यह बता दो कि होमोलोगस क्रोमोसोम कितने लोगों को पता है कि क्या होता है, या फिर वो लोग बता दीजिए जिनको नहीं पता कि क्या होता है होमोलोगस क्रोमोसोम, सो दैट वी कैन हैव अ शॉर्ट डिस्कशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड देयर स्ट्रक्चर. ओके, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं एक बार होमोलोगस क्रोमोसोम को डिस्क्राइब कर देता हूं. होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जिन पर सेम चीज का जीन प्रेजेंट होता है, सेम कैरेक्टर का जीन प्रेजेंट होता है ऑन सेम लोकस. सेम कैरेक्टर का जीन प्रेजेंट होता है ऑन वेरी सेम लोकस, इसे आप क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम. जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर आपका एक क्रोमोसोम होगा, दिस इज द फर्स्ट क्रोमोसोम. ओके, दिस इज द फर्स्ट क्रोमोसोम लेट्स से, एंड देयर इज अ सेकंड क्रोमोसोम, एंड देयर इज अ सेकंड क्रोमोसोम. सो लेट मी ड्रॉ इट लाइक द फर्स्ट वन, एग्जैक्टली सिमिलर. ओके, सो दीज आर द टू क्रोमोसोम्स. व्हेन कैन आई प्रूव दैट दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम, मैं कब प्रूव कर पाऊंगा कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, जब इनके सेम लोकस के ऊपर यानी सेम जगह के ऊपर दोनों ही क्रोमोसोम में सेम चीज का जीन प्रेजेंट हो. यानी कि ये समझ लो ये वाला जो जीन है मेरे दोस्त, ये आपका आई कलर का जीन है, ये समझ लो आपका आई कलर का जीन है. अब ये मैटर नहीं करता कि ये आई कलर आपकी ब्लैक आई है या ब्लू आई है या ब्राउन आई है, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता. अगर इस सेम लोकस के ऊपर इस क्रोमोसोम पर भी आई कलर का जीन प्रेजेंट है तो ये आपके होमोलोगस हो गए. ओके, सिमिलरली देखो, अगर यहां पर नीचे लेट से कि आपकी हाइट का भी कोई जीन होता है जो कि कंट्रोल करता है आपकी हाइट, तो समझ लो कि आपकी हाइट का जो कंट्रोलर जीन है वो यहां पर प्रेजेंट है. तो सेम लोकस के ऊपर आपका इस क्रोमोसोम में भी अगर हाइट का जीन प्रेजेंट है, डजंट मैटर ये हाइट का जीन आपकी हाइट छोटी कर रहा है या बड़ी, कैरेक्टर अगर सेम है, हाइट अगर आपकी सेम है. ओके, चलो, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा. देन यहां पर देखो आपका जो हेयर कलर है, अगर ये इसका जीन है, अगर ये आपका हेयर कलर है तो यहां पर भी आपका सेम लोकस के ऊपर क्या आ जाएगा, हेयर कलर आ जाएगा. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी हेयर कलर. सो अगर आपके दो क्रोमोसोम्स पर सेम लोकस के ऊपर सेम चीज का जीन प्रेजेंट है, सेम कैरेक्टर का जीन प्रेजेंट है, तो आप इसे क्या कह दोगे, आप इसे कह दोगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, राइट. अब किसी ने पूछा था कि होमोलोगस क्रोमोसोम आपके किस प्रकार से क्रॉस ओवर करते हैं, तो लेट से दिस इज द येलो पार्ट. ओके, दिस इज द येलो पार्ट, तो आई एम कंसिडरिंग ओनली दिस पार्ट, राइट, ओनली दिस पार्ट, दिस वन, एंड इन ग्रीन आई विल बी कंसिडरिंग दिस वन बिकॉज दे आर क्लोज टूगेदर, सो दे विल बी शोइंग द क्रॉसिंग ओवर, दे विल बी शोइंग द क्रॉसिंग ओवर. सो हियर इट इज द येलो पार्ट एंड जस्ट नेक्स्ट टू इट इट इज द ग्रीन पार्ट, इट इज द ग्रीन पार्ट, राइट. ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन, लेट्स से दिस इज द येलो पार्ट, ये येलो पार्ट है और ये ग्रीन पार्ट है. अगर ये दोनों आसपास में आए, उन्होंने क्रॉस ओवर कर लिया, तो येलो का कुछ पार्ट टूटकर ग्रीन में चला जाएगा और ग्रीन का कुछ पार्ट टूटकर येलो में आ जाएगा. और ये किस एंजाइम की हेल्प से होता है, ये आपका रिकम्बिनेज एंजाइम की हेल्प से होता है. रिकम्बिनेज एंजाइम में आपकी दो चीजें प्रेजेंट रहेंगी,
पहला जो आपके जेनेटिक मटेरियल को काटता है यानी कि एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस मेरे इस क्रोमोसोम के कुछ पार्ट को तोड़ के इस पे लगा देगा, तो पहले मुझे तोड़ना पड़ेगा, तो मुझे एंडोन्यूक्लियस चाहिए, और इस पे लगाने के लिए यानी चिपकाने के लिए मुझे क्या चाहिए, गम चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ग्लू चाहिए, इसे मैं बोलूंगा डीएनए लाइगेज। ओके, इसे मैं बोलूंगा डीएनए लाइगेज। डन, कोई बात नहीं यार, आप लोग प्लीज ध्यान मत दो, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो थोड़ी देर पहले इसे समझते हैं। तो रिकम्बिनेज में आपकी दो चीजें आती है, पहला एंडोन्यूक्लियस, डन, जो कि किसी भी चीज को काटता है बीच में से, इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, इसे आप कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, यानी एक ऐसी कैंची जिससे कि आप मॉलिक्यूल्स को काट सकते हो। देन लाइगेज जो है, इसे आप क्या कहते हो, मॉलिक्यूलर गम या फिर मॉलिक्यूलर ग्लू, जिससे आप अलग अलग मॉलिक्यूल्स को चिपका सकते हो। डन, जिससे आप अलग अलग मॉलिक्यूल्स को चिपका सकते हो। तो यहां पर आपको एंड में क्या देखने को मिलेगा, जो एंड रिजल्ट आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पूरा का पूरा ऑरेंज फ्रेगमेंट था, इस पूरे ऑरेंज फ्रेगमेंट के बीच में क्या आएगा, आपका ग्रीन कलर का फ्रेगमेंट आएगा। और ये जो आपका ग्रीन कलर का फ्रेगमेंट है, इसके बीच में कैसा फ्रेगमेंट आएगा, आपका ऑरेंज कलर का फ्रेगमेंट आ जाएगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर और द रिकम्बिनेशन। फर्स्टली दे हैव क्रॉस ओवर टुगेदर, ओके, पहले ये क्रॉस ओवर कर गए साथ में, एंड दूसरा फिर ये क्या कर गए, ये आपका रिकम्बिनेशन शो कर गए, यानी इसका फ्रेगमेंट इस पे चला गया, इसका फ्रेगमेंट इस पे चला गया, ये आपका पकाइटिन में होता है। अब एक क्वेश्चन जो आपका नीट में पूछा जाता है, वो प्लीज हैव अ लुक अबाउट दैट, ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों हैं, ये आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, क्योंकि इनका पिताजी सेम है। ये जो ऑरेंज कलर का सेंट्रोमियर है, इसी से अटैच है ये आपकी दोनों की दोनों क्रोमेटिड्स, तो ये दोनों आपके सिस्टर क्रोमेटिड हो जाएंगे। ओके, दिस इज फर्स्ट क्रोमेटिड, दिस इज क्रोमेटिड नंबर वन, दिस इज क्रोमेटिड नंबर टू। ओके, तो ये दोनों क्या हो गए, आपके सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। अब सिमिलरली ये वाली और ये वाली जो है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, क्योंकि इनका पिताजी भी एक है जो सेंटर पर इन्हें पकड़े हुए हैं। बट ये वाली और ये वाली जो है, होमोलोगस क्रोमोसोम के अपोजिट आर्म्स, ये वाली और ये वाली जो है, ये वाली आपकी क्या हो जाएगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो जाएगी, ये वाली आपकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो जाएगी। तो कोई अगर आपसे पूछे कि क्रॉसिंग ओवर किन फ्रेगमेंट्स के बीच में होता है, तो आपको बताना पड़ेगा क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी ये दोनों अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो इन दोनों क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होगा, इन दोनों क्रोमेटिड्स के बीच में आपका क्रॉस ओवर होगा, राइट, इन दोनों क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉस ओवर होगा, एंड दे आर कॉल्ड एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगर ये बात समझ में आ गई तो एक बार थम्स अप दे दो यार। ओके, सो काव्या, व्हाट आई कैन डू अबाउट दिस, देयर इज नो पर्पस ऑफ डूइंग दिस और स्पैमिंग दिस ओवर हियर, बिकॉज आई एम नो वन टू टेक द डिसीजंस, राइट, थोड़ा बाहर जाकर अगर तुम ये चीज करोगे तो शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाए, बट यहां पे स्पैम करके तो यू वोंट बी गेटिंग सिलेक्टेड, इट्स नॉट द प्लेटफॉर्म, यहां से मैं बच्चे जो है एमबीबीएस बनाकर नहीं भेजता हूं ठप्पा लगा करके, उसके लिए तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम तोड़ना ही पड़ेगा, और वो एंट्रेंस एग्जाम देखो यार, सिर्फ बातों से तो निकलेगा नहीं, 16 लाख बच्चे बैठते हैं, तुम्हें चीर देंगे बीच में से। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट एंड आई रीड एवरी डे, सो प्लीज रिस्पेक्ट योर टाइम, बिकॉज हमारा इसमें कोई लॉस नहीं, यू आर गिविंग अस व्यूज विच इज वेरी गुड थिंग, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि तुम लोग अपना खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो, जिससे तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए, मुझे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, अब इन चीजों से हम लोग ऊपर उठ चुके हैं, राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में क्रॉस ओवर कर लेंगे, और इनके फ्रेगमेंट जो है एक्सचेंज हो जाएंगे, नए फ्रेगमेंट्स इनके पीछे लग जाएंगे। अब देखो यार, पकाइटिन आ चुका है, पकाइटिन में आपका एक अल्फाबेट आया है सी, तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर या फिर आपका रिकम्बिनेशन होगा। ओके, तो यहां पर देखो कंपैरेटिवली लॉन्गर फेज कहा जाता है, कंपैरेटिवली लॉन्गर फेज एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू आपका यू नो लैक्टोटीन एंड जायगोटीन। तो लैक्टोटीन एंड जायगोटीन छोटे छोटे होते हैं, पकाइटिन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, क्यों, क्योंकि पकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होगी, रिकम्बिनेस एंजाइम आकर आपका अटैक करेगा, तो अल्टीमेटली इट विल बी टेकिंग मोर टाइम।
bivalent chromosome split into similar chromatids. This stage is called as tetrad, which is clearly visible. So what is tetrad and what is bivalent? You need to understand that clearly. तो पहले इसके बारे में जानते हैं. If there is one chromosome which is fully fledged, so how would you do that? How would you make that? This is a chromosome. अगर ये आपका क्रोमोसोम है तो इसे आप क्या बोलोगे? इसे आप बोलोगे डायाड. इसे आप डायाड क्यों बोलोगे? क्योंकि दिस इज फर्स्ट क्रोमेटिड एंड दिस इज योर सेकेंड क्रोमेटिड. यहां पर देर आर टू क्रोमेटिड्स. सिंस देर आर टू क्रोमेटिड्स, इट विल बी कॉल्ड एज वॉट? इट विल बी कॉल्ड एज डायाड. सेकेंडली, इट इज वन कंप्लीट क्रोमोजोम, तो इसे आप क्या बोल सकते हो? इट इज वन क्रोमोजोम, तो इसे आप क्या बोल सकते हो? इसे आप बोल सकते हो मोनोवेलेंट. इसे आप बोल सकते हो मोनोवेलेंट. तो सिंस ये आपका एक कंप्लीट क्रोमोजोम है, एक कंप्लीट क्रोमोजोम का मतलब होता है मोनो, सो इसे आप मोनोवेलेंट बोल दोगे. एंड इसके अंदर दो आपकी क्या है? क्रोमेटिड्स है, तो इसे आप क्या बोल दोगे मेरे भाई? डायाड बोल दोगे. सिमिलरली, जब ये अपने होमोलोगस क्रोमोजोम के साथ जुड़ा होगा, जब ये अपने होमोलोगस क्रोमोजोम के साथ जुड़ा होगा बाय साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो इसे आप क्या बोलोगे मेरे दोस्त? यहां पर आपके दो फुल क्रोमोजोम स्टार्ट आपके जुड़े हुए हैं, तो इसे आप क्या बोलोगे? डायाड को मल्टीप्लाई कर दोगे आप दो से, क्योंकि आप टोटल चार क्रोमेटिड हो गई. दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन. तो यहां पर आपकी चार क्रोमेटिड्स हो गए हैं, तो इसे आप क्या बोल दोगे? टेट्राड. इसे आप बोल दोगे टेट्राड. टेट्रा का मतलब होता है चार. एंड मोनोवेलेंट को जब आप दो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? मोनोवेलेंट आपका बन जाएगा बायवेलेंट या फिर आपका डायवेलेंट. सो शब्दों को समझने का यहां पर जो है हमें हुनर अपने अंदर लाना है कि यहां पर अगर आपकी एक क्रोमेटिड है और दो क्रोमेटिड है तो इट इज बेसिकली डायाड, और इसे मोनोवेलेंट बोल देंगे क्योंकि सिंगल क्रोमोसोम है. सिमिलरली, अगर यहां पर तीन और चार क्रोमेटिड है तो इट विल बी अ टेट्राड, और दो फुल क्रोमोसोम अगर यहां पर प्रेजेंट है तो इट इज डायवेलेंट या फिर आपका बायवेलेंट. ओके, एंड आई होप यू गॉट दिस वेरी वेल. ये सबको समझ में आ जाना चाहिए. नाउ अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स. ओके, यहां पर रिकम्बिनेशन नोड्यूल आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है. इट लीड्स टू द रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. यानी अगर एक क्रोमोसोम आपका ये वाला है और एक क्रोमोसोम आपका ये वाला है, तो इन दोनों की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? आपका क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन हो जाएगा. और ये जहां पर आकर जुड़ेंगे, जहां पर एक्चुअल में क्रॉस ओवर होगा, इसे आप क्या बोलेंगे? रिकम्बिनेशन नोड्यूल. ओके, जहां पर रिकम्बिनेशन एक्चुअल में हो रही है, जो पार्ट्स इनके क्रॉस हुए हैं इस नोड्यूल को, जहां पर ये जुड़ रहे हैं दोनों हाथ, इसे आप बोलेंगे रिकम्बिनेशन नोड्यूल. रिकम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पकाइटिन वाया रिकम्बिनेज. तो रिकम्बिनेज में मैंने आपको दो चीजें बताई थी. दो एंजाइम्स आपके काम करेंगे, एक काटने वाला एंडोन्यूक्लियस और एक आपका जोड़ने वाला लाइगेज. ये दोनों अगर आपके आ जाएंगे तो आपके रिकम्बिनेज कहलाएंगे. अब क्रॉसिंग ओवर देखो, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोजोम इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज रिकम्बिनेज. ये बात आपकी हो चुकी है, राइट? सो अल्टीमेटली वी गॉट थ्रू दिस पकाइटिन और द क्रॉसिंग ओवर. अब देखो, अगर क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है तो एंड से आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अब टूट जाएगा. ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका टूट जाएगा नीचे से, और एक्स शेप स्ट्रक्चर आपका बना रहेगा. तो यहां पर देखो मेरे भाई, डिप्लोटीन में क्या होगा? डिप्लोटीन में आपके सिर्फ ये एक्स शेप स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं यहां पर देखो, और बचा हुआ जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये टूट गया. सो डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स एंड रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ऑफ बायवेलेंट they separate from each other except the site of crossover. These X-shaped structure are called as chiasmata. क्या बोले यहाँ पर? यहाँ पर ये बोले कि मेरे दोस्त, जो आपके दो क्रोमोसोम्स पास-पास आए हैं, इन दोनों क्रोमोसोम्स में जो आपका रिकम्बिनेशन वाली साइट है, सिर्फ ये साथ जुड़ी हुई है. नीचे जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था ये टूट चुका है, सिर्फ अब ये यहाँ पर साथ जुड़े हुए हैं. X-शेप एक स्ट्रक्चर बना है जिसको आप chiasmata बोलते हो, जो आखिरी फेज में टूटेगा, डायाकाइनेसिस में टूटेगा, राइट?
इन ओसाइट ऑफ सम वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, जो डिप्लोटीन है ये आपका कुछ महीने या कुछ साल तक भी चल सकता है और इसे डिक्टियोटीन बोलते हैं। यानी काफी बार आपका जो एग है उसकी डेवलपमेंट हॉल्ट हो जाती है। ओसाइट मतलब आपके एग को बनाने वाले सेल, यानी आपके ओवम को बनाने वाले सेल। तो ये जो ओसाइट है कुछ वर्टिब्रेट्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इसमें आपकी डिप्लोटीन पर सेल डिवीजन हॉल्ट हो जाती है। और ये आपकी कब कंटिन्यू करती है? प्यूबर्टी के ऊपर, जब आपका एग बनना स्टार्ट होते हैं। तो काफी सालों तक ये जो आपके ओसाइट है वो सस्पेंडेड स्टेट में ही प्रेजेंट रहते हैं। बाद में इन्हें हमें दोबारा एक्टिवेट करना पड़ता है जिससे कि आगे की मियोसिस डिवीजन कंप्लीट कर पाए। तो डिप्लोटीन से आपका ये वाला क्वेश्चन बनता है। ओके, ये वाला क्वेश्चन बनता है, ये आपका नीट में पूछा भी जा चुका है ऑलरेडी। अब आपका देखो यार डायकाइनेसिस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। डायकाइनेसिस में आपका जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बताया था सिर्फ, ये भी आपका टूट जाएगा। सो दिस इज टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाटा। ये जो आपका एक्स शेप कियाजमाटा है अब ये भी टूट जाएगा। क्रोमोसोम्स आपके फुल्ली कंडेंस हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है अबाउट प्रोफेज। प्रोफेज में आपका क्या होता है? प्रोफेज में आपका कंडेंसेशन भी होता है। लेकिन डायकाइनेसिस आपकी लास्ट स्टेज है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपके न्यूक्लियर एनवेलप में भी आपको ब्रेकेज देखने को मिलेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी गायब हो जाएंगे। सो मियोटिक स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द पोल्स टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन। यानी अब आपके स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब आपके जो क्रोमोसोम आएंगे और मेटाफेज पे अलाइन होंगे, इनको आपको सेपरेट भी करना है, इनको आपको आधा आधा बांटना भी है। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप आपके यहां पर गायब हो जाते हैं, जस्ट लाइक माइटोसिस, क्योंकि अब आपका मेन फोकस जो रहेगा ये आपका क्रोमोसोम्स के ऊपर रहेगा। सो एक बार अगर आपका प्रोफेज कंप्लीट हुआ तो क्रोमोसोम आपके अच्छे तरीके से कंडेंस कर चुके हैं, और अगर क्रोमोसोम कंडेंस कर चुके हैं तो अब ये आपके अपने आपको प्लेट पे अरेंज कर लेंगे। सो यहां पर देखो यार, पूरा का पूरा समरी जो है इस प्रोसेस की समझने की कोशिश करो। यहां पर आपका लेप्टोटीन के अंदर ये जो आपके क्रोमेटिन थे ये आपके थोड़े बहुत कंडेंस होना स्टार्ट हुए। कंडेंसेशन यहां पर स्टार्ट हुआ है, खत्म नहीं हुआ। अब ये क्रोमोसोम नहीं बने हैं फुल्ली फ्लैश। तो प्रोफेज में देखो आपका क्रोमोसोम जो है ये कंडेंस करना स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीटली कंडेंस हुआ नहीं। देन जाइगोटीन में देखो, जाइगोटीन में ये जो आपका क्रोमोसोम है ये इसके बीच में आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हो गया। ये क्रोमोसोम इनके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हो गया। तो ये आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हुआ है। अब आपका पकाइटिन है C4 आपका क्रॉसिंग ओवर। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो तो ये नीला वाला जो है और ये लाल वाला जो है ये आपका एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं। सिमिलरली यहां जो नीला वाला है और ये जो लाल वाला है ये एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं। तो इस प्रकार से ये जो आर्म है एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है और नीचे की साइड आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आपका बना हुआ है। नीचे की साइड आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अभी भी बना हुआ है। यहां पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये नीला वाला है देखो यहां पर क्रॉस होके जा रहा है, एंड ये लाल वाला है ये क्रॉस होके यहां पर जा रहा है। तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आपको पूरे के पूरे क्रोमोसोम पर देखने को मिल रहा है। ओके, देन आप देखो डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में आपका ये एक्स शेप स्ट्रक्चर तो कंबाइंड रहेगा, लेकिन साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आपका टूट जाएगा। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आपका टूटना स्टार्ट हो चुका है, ये टूट जाएगा, सिर्फ आपका एक्स शेप का ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अगले फेज में क्या होगा? ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर भी आपका टूट जाएगा एंड ये अलग अलग हो जाएंगे। तो यहां पर देखो जो नीला वाला क्रोमोसोम है इस पे एक लाल कलर का पार्ट आ गया, और जो लाल वाला क्रोमोसोम है इसके ऊपर एक नीले कलर का पार्ट आ गया। सो अल्टीमेटली दे हैव चेंज्ड देयर फ्रेगमेंट्स। तो यहां पर आपके जो चार सेल्स बनेंगे एट द एंड ऑफ मियोसिस, ये चारों सेल आपके कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि आपका यहां पर हो चुका है क्रॉसिंग ओवर या फिर आपका रिकम्बिनेशन, जिससे अलग अलग कॉम्बिनेशन आपकी तैयार होती है, राइट? अब देखो यार मियोसिस वन का मेटाफेज वन, यहां पर आपके लेप्टोटीन के दौरान आपका क्रोमोसोमल कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, और जैसे ही प्रोफेज खत्म होगा ये आपके क्रोमोसोम अच्छे खासे आपको दिखने लग जाएंगे। मेटाफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम आपके बने हैं ये मेटाफेजिक प्लेट पे अराइज हो जाएंगे। ओके, अलाइन हो जाएंगे, एक लाइन बना लेंगे। तो यहां पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम थे तो ये दो रो बना लेंगे, इस बार दो मेटाफेजिक प्लेट बनेंगे। यही आपका डिफरेंस है मियोसिस और माइटोसिस में, कि माइटोसिस में आपकी सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बनती है, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर आपका ऐसा होता है कि इन्हें एक लाइन में अलाइन कर दिया जाए। इस प्रकार की प्लेट बनी थी आपके माइटोसिस में, लेकिन मियोसिस वन में दो प्लेटें बनती हैं। तो ये वाला क्रोमोसोम आपका पूरा का पूरा ही ऊपर चला जाएगा, ये वाला क्रोमोसोम भी पूरा ही ऊपर चला जाएगा,
ये वाला क्रोमोसोम आपका नीचे ही चला जाएगा एंड ये वाला क्रोमोसोम भी आपका नीचे ही चला जाएगा। तो इसमें सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग या क्रोमेटिड की सेपरेशन नहीं होती, यहां पर आपको चीर फाड़ नहीं करनी, यहां पर आप सीधा जो है यहां पर आप सीधा इन क्रोमोसोम्स को आधों को ऊपर की साइड भेज सकते हो, होमोलोगस क्रोमोसोम को आधों को नीचे की साइड भेज सकते हो। यहां पर आपको सेंट्रोमियर को फाड़ने की जरूरत नहीं है, क्रोमेटिड को सेपरेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आपके मियोसिस वन की प्रॉपर्टी है। यहां पर स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो यहां पर तुम देख रहे हो दीज आर सेंट्रियोल्स, और ये अगर सेंट्रियोल है मेरे भाई तो इन्होंने अपने यू नो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के ऊपर अपने जाल फेंक दिए हैं, यानी स्पिंडल फाइबर फेंक दिए हैं। अब ये इन्हें अपोजिट पोल्स में खींचना स्टार्ट कर देंगे। तो द क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्विटोरियल प्लेट, यहां पर दो इक्विटोरियल प्लेट या दो मेटाफेजिक प्लेट आपकी बनती है क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर यहां पर ज्यादा है और होमोलोगस क्रोमोसोम है डिप्लॉयड सेल में, तो यहां पर आपकी दो मेटाफेजिक प्लेट बनेंगी। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द स्पिंडल अटैच द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी ये जो आपके स्पिंडल फाइबर आए हैं ये अपने अपने साइड के क्रोमोसोम पर अटैच हो जाएंगे और इन्हें क्या करेंगे अपोजिट एंड पर खींचना स्टार्ट करेंगे एनाफेज के अंदर। मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स कैन बी प्रेजेंट एट ईदर एंड, देयर इज नो स्पेसिफिसिटी, यानी हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि मम्मी के क्रोमोसोम हमेशा ऊपर रहेंगे और पापा के क्रोमोसोम हमेशा नीचे रहेंगे, दिस इज रियली नॉट पॉसिबल। आप सेल को रोटेट करो आपकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। अगर समझ लो मैंने सेल को पकड़ के आपका 180 डिग्रीज घुमा दिया है तो क्या हुआ, पैटर्नल आपके ऊपर आ गए, मैटर्नल आपके नीचे चले गए। तो आप कभी भी ऐसे स्पेसिफाई नहीं करते कि ऊपर वाले पैटर्नल है नीचे वाले पैटर्नल है, कोई भी आपका मदर के एंड से आ सकता है, कोई भी आपका फादर के एंड से आ सकता है, यू कांट स्पेसिफाई दिस डायरेक्शन। ओके, तो अब मेटाफेज में दो प्लेट बनी, अब ये आपके होंगे सेपरेट। अब देखो अगर आपकी दो प्लेट थी, दीज आर टू प्लेट्स, तो आपका सेल कैसे डिवाइड होगा इस प्रकार से। अगर सेल आपका इस प्रकार से डिवाइड होगा मेरे दोस्त, तो सीधी सी बात है ये जो आपके ऊपर वाले क्रोमोसोम है बिना चीर फाड़ के बिना छेड़खानी के अपने ऊपर चले जाएंगे। तो यहां पर जो काइनेटोकोर था जिसके ऊपर ये लगा हुआ है स्पिंडल फाइबर, ये काइनेटोकोर का मुंह आपका ऊपर की तरफ रहेगा और आर्म्स आपकी चारों की चारों पीछे रहेंगी, यानी दोनों क्रोमेटिड्स आपकी ऊपर चली जाएंगी, कोई यहां पर चीराचारी नहीं हुई। यानी पहले आपने देखा था माइटोसिस के अंदर कि अगर ये आपका क्रोमोसोम है और इसको आपको एनाफेज पे सेपरेट करना है तो आप इसे कैसे सेपरेट कर रहे थे, यहां पर मेरे दोस्त आप इसे ऐसे सेपरेट कर रहे थे। यहां पर सेंट्रोमेयर जो है आपका आधा आधा हो रहा था, इसे आप कह रहे थे सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग, और आपकी एक जो क्रोमेटिड है ये ऊपर जा रही थी अपर पोल पे और एक क्रोमेटिड आपकी नीचे जा रही थी लोअर पोल पे, तो इसे आप बोल रहे थे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहां पर सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक क्रोमोसोम आपका पूरा ऊपर चला गया पेयर में से और एक क्रोमोसोम आपका नीचे चला गया, तो सेंट्रोमेयर के स्प्लिटिंग की भी आवश्यकता यहां पर नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हो ये आधे आधे बट गए हैं बिना किसी तोड़फोड़ के, राइट। तो यहां पर देखो आपका क्या लिखा हुआ है इन द थ्योरी, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट, क्रोमोसोम के क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, क्रोमेटिड में कोई भी चेंज नहीं आया, सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमेयर, यानी सिस्टर क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम की साथ ही गई है। यहां पर माइटोसिस के अंदर अगर आप देखो माइटोसिस के अंदर तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गई थी, सिस्टर क्रोमेटिड एक ऊपर जा रही थी एक नीचे, ये कि यहां पर पूरा का पूरा क्रोमोसोम दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ ऊपर जा रहा है, यहां पर दोनों सिस्टर क्रोमेटिड के साथ ऊपर जा रहा है, ओके, यहां पर दोनों सिस्टर क्रोमेटिड के साथ नीचे जा रहा है, यहां पर दोनों सिस्टर क्रोमेटिड के साथ नीचे जा रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो नोट। चलो अब एनाफेज में सेपरेशन हो गए, अब देखो मेरे भाई टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में आपकी न्यूक्लियर एनवेलप और आपके जो न्यूक्लियस वगैरह है ये आपके वापस आ जाएंगे, ओके, एंड इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं दैट यू नीड टू टेक इनटू कंसीडरेशन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर एंड द टू हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड एज डायाड। यानी यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका सेल डिवीजन हो चुका है, क्रोमोसोम का नंबर आपने आधा आधा कर दिया है, पहले आपके डबल क्रोमोसोम थे, अब आपके आधे ऊपर की साइड चलेगा जो कि एक डॉटर सेल बनाएंगे, आधे नीचे की साइड चलेगा जो कि दूसरा डॉटर सेल बनाएंगे, तो यहां पर क्या हुआ मेरे दोस्त, रिडक्शन हो गया है, रिडक्शन हो गया है। तो अब मियोसिस वन के बाद जो सेल बनेंगे ये डिप्लॉयड से कैसे हो गए होंगे, हैप्लॉयड हो गए होंगे, ये आपके हैप्लॉयड हो गए। आफ्टर साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन जब होगा, ओके, तो वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इट डिपेंड्स अपॉन द सेल। यानी अगर आपको मल्टीपल न्यूक्लियस अपने अंदर रखने हैं तो आप साइटोकाइनेसिस मत करो, और अगर आपको
मल्टीपल न्यूक्लियस नहीं रखने, आपको डिवीजन करनी है और मियोसिस टू में एंटर करना है तो आप साइटोकाइनेसिस कर भी सकते हो। मैंने आपको सिंसिटियम वाली कंडीशन में बताया था कि समझ लो एक सेल है, उसके अंदर आपकी कैरियोकाइनेसिस हो गई यानी न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, लेकिन सेल डिवाइड नहीं हुआ, तो अब कंडीशन क्या है, एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो दैट इज कॉल्ड एज सिंसिटियम कंडीशन, या फिर फंगस के अंदर इसे सिनोसिटिक बोला गया था, जो कि हमने माइटोसिस में डिस्कस किया था। सेम बात यहां पर कह रखी है कि आपका जो साइटोकाइनेसिस है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रामायोटिक इंटरफेज, यानी इंट्रामायोटिक इंटरफेज मतलब इंट्रा मतलब आपका इन बिटवीन, मियोसिस इंटरफेज इट इज फॉलोड बाय मियोसिस टू, यानी मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में एक छोटा सा गैप आता है, ये जो शॉर्ट स्टेज है बिटवीन टू मियोटिक डिविजन्स इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस, ये भी हम देख चुके थे। यानी इंटरकाइनेसिस वो इंटरवेल है जो कि आपका मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में आता है। डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट अकर इन दिस फेज बट सेंट्रियल डुप्लीकेशन एंड आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस अकर। डीएनए रेप्लिकेशन यहां पर नहीं होती बिकॉज मैंने आपको इनिशियली बता दिया था कि मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है, इसमें आपका जो जेनेटिक मटेरियल है ये सिर्फ एक बार रेप्लिकेट करेगा लेकिन डिवीजन दो बार होगा, तभी तो ये रिडक्शनल है कि कोई चीज एक बार मल्टीप्लाई हो रही है लेकिन डिवाइड दो बार हो रही है, इसलिए ओवरऑल प्रोडक्ट आपका हाफ बनेगा। तो आरएनए प्रोटीन की जरूरत है, ये आपके सिंथेसाइज हो जाएंगे। अब यहां पर एक एक सेंट्रियोल पहुंचा है इस सेल के अंदर, ये भी आपका रेप्लिकेट करेगा साइटोप्लाज्म में, ये सेंट्रियोल दो बनेंगे अपोजिट पोल की ओर जाना स्टार्ट करेंगे, ये भी सेंट्रियोल यहां पर दो बनेंगे अपोजिट पोल की ओर जाना स्टार्ट करेंगे। सो हाँ, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन विल टेक प्लेस लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन यहां पर नहीं होगी। क्रोमोसोम डू नॉट अंडरगो कंप्लीट एक्सटेंशन। माइटोसिस में हमने देखा था कि एक बार अगर सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाए, माइटोसिस में हमने देखा था कि एक बार अगर सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाए तो आपके जो क्रोमोसोम्स हैं ये दोबारा से क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, दोबारा से आपके फैल जाते हैं, लेकिन यहां पर इस एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके मियोसिस वन के खत्म होते ही सेल किस में जाएगा? मियोसिस टू में जाएगा। अगर वो दोबारा से डीकंडेंस हो गया तो उसे फिर पैक करना पड़ेगा क्रोमोसोम के फॉर्म में, फिर उसे डिवाइड करना पड़ेगा दो सेल्स में, इससे अच्छा अनकंडेंस करो ही मत, उसे कंडेंस ही रहने दो। तो इसीलिए यहां पर एक्सटेंशन नहीं होती क्योंकि जस्ट आपके थोड़े से गैप के बाद दोबारा से मियोसिस टू में घुसना है। तो क्रोमोसोम रीच एट अपोजिट पोल एंड स्पिंडल डिसअपियर। क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पर पहुंच चुके हैं, स्पिंडल फाइबर आपका गायब हो चुका है क्योंकि सेल डिवीजन कंप्लीट हो चुके हैं। अब स्पिंडल फाइबर दोबारा कब आएगा? अगले मेटाफेज के अंदर आ जाएगा। तो यहां पर आपका प्रोफेज जब कंप्लीट हुआ, फिर मेटाफेज कंप्लीट हुआ, एनाफेज कंप्लीट हुआ, टीलोफेज कंप्लीट हुआ, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला। क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये आपकी मियोसिस वन है या मियोसिस टू? सिर्फ डायग्राम देखकर क्या ये मियोसिस वन है या मियोसिस टू है? सिर्फ डायग्राम देखकर। फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। जस्ट लेट मी नो वेदर दिस डायग्राम इज ऑफ मियोसिस वन और मियोसिस टू। ओके, यहां पर देखोगे, ओके, निकिता इज सेइंग मियोसिस वन, ओके, संदीप इज सेइंग टू, कार्तिकेय इज सेइंग टू, वेरी गुड, नेहा इज सेइंग टू, श्रेयसी इज सेइंग टू। देखो पहले तो मियोसिस टू लिखा हुआ है, टू बी वेरी सिंपल एंड प्रिसाइज, लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो मियोसिस वन में हमने क्या देखा था? मियोसिस वन में हमने देखा था दो मेटाफेजिक प्लेट बन रही है क्योंकि यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, याद आया? और यहां पर कितनी बन रही है आपकी? एक मेटाफेजिक प्लेट बन रही है सिर्फ, दिस इज सिंगल प्लेट, राइट, दिस इज सिंगल प्लेट। तो आपको डायरेक्टली पता लग जाना चाहिए कि अगर आपकी दो मेटाफेजिक प्लेट बन रही है, अगर डबल मेटाफेजिक प्लेट बन रही है तो इट इज मियोसिस वन, लेकिन हियर सिंगल मेटाफेजिक प्लेट इज गेटिंग फॉर्म, तो इट इज व्हाट? इट इज योर मियोसिस टू। अब यहां पर देखो, आपका क्रोमोसोम पहले ही एक्सटेंडेड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हुआ या कंडेंस था, तो प्रोफेज में इस बार अच्छी खासी कंडेंसेशन देखने को मिली। मेटाफेज में आपकी सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बनी, अगर सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बनेगी तो यहां पर क्रोमोसोम का नंबर जो है आपका सेम रहेगा क्योंकि जो एक क्रोमेटिड है ऊपर वाली अपर पोल पर चली जाएगी, जो दूसरी क्रोमेटिड है नीचे वाली ये लोअर पोल पे चली जाएगी और आपका सेंट्रोमियर आधा आधा बट जाएगा। सो यहां पे देखो चीरफाड़ हो गई माइटोसिस की तरह, यहां पर चीरफाड़ हो गई, यहां पे आपका सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग और क्रोमेटिड की सेपरेशन हुई,
यहां पर भी फिर आपका सेल डिवीजन आपको देखने को मिला एंड यहां पर न्यूक्लियर एनवेलप आपका आकर के जुड़ गया, न्यूक्लियोलस वगैरह आपके बन गए। ओके, सिमिलरली यहां पर भी आपके दूसरे सेल में सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बनी, इसको आप डिवाइड करोगे, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएंगे, क्रोमेटिड आपके सेपरेट हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली दो सेल आपको यहां पर भी देखने को मिले। तो जो दो सेल थे आपके हैप्लॉइड, इनसे आपको चार सेल देखने को मिल गए विच आर ऑल्सो हैप्लॉइड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मियोसिस टू कंप्लीट हो जाएगा, टेलोफेज टू यहां पर आ चुका है। अब देखो थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। पहली बात तो मियोसिस टू इट रिजेंबल्स द माइटोसिस, ये एकदम माइटोसिस जैसा होता है। ओके, इट हैज फोर फेजेस, आपका प्रोफेज टू जिसमें आपका डीएनए अगर थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी हुआ होता है तो दोबारा से कंडेंस हो जाता है, मेटाफेज टू जिसमें आपकी सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, एनाफेज टू जिसमें आपके क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे और सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, एंड टेलोफेज टू जिसमें आपका सेल डिवीजन यू नो आपका अच्छे तरीके से होना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस आपका सेपरेट हो जाएगा एंड न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस आपको देखने को मिल जाएगा। सो दैट इज वेरी वाइटल। अब प्रोफेज टू देखो, इन सब प्रोसेस को एक बार ठीक से देख लेते हैं। इक्वेशनल डिवीजन होता है आपका मियोसिस टू, क्योंकि इट इज जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ माइटोसिस, तो इक्वेशनल डिवीजन है, बट टेक पार्ट्स इन हैप्लॉइड सेल एंड गिव राइज टू डिफरेंट सेल्स। क्योंकि यहां पर देखो ये जो आपका नीला सेल है इसके ऊपर एक अलग से पार्ट लगा हुआ है किसी और क्रोमोसोम का, ये जो आपका लाल वाला है इसके ऊपर अलग से पार्ट लगा हुआ है किसी और क्रोमोसोम का। तो ये जो है आपके इनिशियली स्कैटर्ड प्रेजेंट है, ये मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर आएंगे मेटाफेज में, तो स्पिंडल आपका अराइज हुआ, स्पिंडल फाइबर्स ने इन्हें खींचना स्टार्ट कर दिया और ये इन्हें बीच में लाकर के अटैच कर देंगे। इट इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यानी जैसे ही मियोसिस वन खत्म होती है तभी मियोसिस टू का प्रोफेज स्टार्ट हो जाता है, और क्रोमोसोम अगर थोड़े बहुत खुले भी होते हैं तो इन्हें दोबारा से कंपैक्ट करके पैक कर दिया जाता है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके डिसअपियर हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया का कोई भी प्रोफेज हो ये काम तो आपका होना ही है, तो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके गायब हो जाएंगे। अब देखो यहां पर, अब यहां पर इसके बाद आएगा मेटाफेज टू। अगर मेटाफेज टू आया है तो मेटाफेजिक प्लेट बन गई है, अगर मेटाफेजिक प्लेट बनी है सिंगल तो आपके जो क्रोमेटिड्स हैं ये क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी, और आपका जो सेंट्रोमियर था सेंटर पे, आपका जो सेंट्रोमियर था ये आपका स्प्लिट हो जाएगा, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। तो यहां पर दो प्रोसेसेस आपके टेक प्लेस करते हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग, ओके, सेंट्रोमियर आपका स्प्लिट करेगा एंड क्रोमेटिड आपकी सेपरेट हो जाएंगी, क्रोमेटिड सेपरेट जस्ट लाइक द माइटोसिस। ओके, तो मेटाफेज में क्या होता है यहां पर एक बार देख लेते हैं। मेटाफेज में द क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जिनको आप यूनिवेलेंट या मोनोवेलेंट बोल रहे हो, मतलब सिंगल क्रोमोसोम है, ये आपका इक्वेटर पे अलाइन हो जाएगा, और जो माइक्रोट्यूब्यूल है अपोजिट पोल से, यानी जो स्पिंडल फाइबर है, ये आपके काइनेटोकोर पर अटैच हो जाएंगे ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स, और इन्हें दोनों एंड पे खींचना स्टार्ट कर देंगे। तो एनाफेज में आपकी क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगी, जो मैंने दो पॉइंट लिखे थे लास्ट स्लाइड में एनाफेज के, वो अब आपके हो जाएंगे। ये देखो यहां पर जो सेंट्रोमियर है ये आपका दो टुकड़ों में टूटेगा, स्प्लिट हो जाएगा, एंड आपकी जो क्रोमेटिड है सेपरेट हो जाएंगी, ये एक नीली वाली क्रोमेटिड ऊपर की साइड, ये एक नीली वाली क्रोमेटिड नीचे की साइड, ये एक लाल वाली क्रोमेटिड ऊपर की साइड, ये एक लाल वाली क्रोमेटिड नीचे की साइड। तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई, क्रोमेटिड आपके सेपरेट हो गए। सो इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, वही बात आ गई जो कि आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स को साथ में होल्ड करके रखता है, एंड क्रोमेटिड आपके जब सेपरेट होंगे सो दे मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, जो कि हम माइटोसिस में देख चुके थे, वही बात आपकी यहां पर भी हो जाएगी। डन, एंड देखो फिर आपका टेलोफेज आता है। टेलोफेज में क्या हो जाएगा, टेलोफेज के बाद आपका साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट एनक्लोज बाय न्यूक्लियर एनवेलप। अब टेलोफेज में आपका न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस आपका वापस आ जाएगा, जो कि प्रोफेज में गायब हुआ था। साइटोकाइनेसिस फॉलोज रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल, यानी चार हैप्लॉइड डॉटर सेल्स यहां पर आपके बन जाएंगे। स्पिंडल फाइबर आपका डीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि स्पिंडल फाइबर की अब कोई आवश्यकता है नहीं, और ये जो सेल है आपके बेहतर तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे और ये दोबारा से क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस हो जाएंगे, दोबारा से आपका क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएंगे, दोबारा से आपका क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएंगे। डन, ऑलराइट। डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड डीएनए,
क्रोमोसोम आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है और क्रोमोसोम में काफी सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। क्रोमोसोम में आपका डीएनए भी है, क्रोमोसोम में आपका प्रोटीन भी है। देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स दैट फॉर्म्स दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, लेकिन डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ओनली। आप ये नहीं बोल सकते कि डीएनए के साथ प्रोटीन आपका प्रेजेंट रहेगा या डीएनए में वो काउंट होगा। डीएनए इज जस्ट द जेनेटिक मटेरियल, इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस एंड शुगर एंड फॉस्फेट। लेकिन आपका जो क्रोमोसोम है ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे आप क्रोमेटिन के बारे में पढ़ते हो तो क्रोमेटिन में आप बोलते हो कि इसमें डीएनए भी होगा, इसमें एसोसिएटेड प्रोटीन भी होंगे, इसमें एसोसिएटेड आरएनए भी होगा, तो ये सारी चीजें आपके क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है। लेकिन डीएनए इज ओनली डीएनए, राइट? चलो ऑलराइट, तो ये क्या हो गया, आपका टेलोफेज हो गया। नाउ इट इज कंप्लीट। अब देखो आपका एक्चुअल सिनेरियो क्या है, अब टोटल आपका क्या हुआ, ओवरऑल स्टेप्स ऑफ मियोसिस। यहां पर मियोसिस वन भी देखेंगे, मियोसिस टू भी, इसे गौर से सुनना भाई। फोटोसिंथेसिस का वन शॉट करवा दो, रितेश इसी वीक में करा देंगे, अभी जो मंडे ट्यूसडे आने वाला है इसी में करा देंगे, ओके? सो डोंट वरी। यहां पर देखो मेरे भाई, प्रोफेज वन, प्रोफेज वन इसमें क्या हुआ, डीएनए कंडेंस होना स्टार्ट हुआ, क्रोमेटिन आपका कंडेंस होना स्टार्ट हुई, फिर आपकी दो मेटाफेजिक प्लेट बनी, क्योंकि आपका क्या था, होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में प्रेजेंट है, तो पहली बार ऐसा हुआ कि दो मेटाफेजिक प्लेट बनी। अगर दो मेटाफेजिक प्लेट बनी है तो बिना तोड़ फोड़ के, बिना चीर फाड़ के ऊपर नीचे चले जाएंगे, कोई आपका क्रोमेटिड का सेपरेशन, कोई सेंट्रोमेरिक स्प्लिटिंग, कुछ नहीं होगा। तो यहां पर इसने क्या कर दिया है, ये आपका ऊपर एक होमोलोगस क्रोमोसोम भेज दिया है, नीचे इसका कॉम्प्लीमेंट्री होमोलोगस क्रोमोसोम भेज दिया है, ऊपर एक क्रोमोसोम भेजा, नीचे एक क्रोमोसोम भेजा, तो आपके अच्छे तरीके से सेपरेट हो गए एंड आपका सेल डिवाइड हो गया। टेलोफेज था ये, तो आपके न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस वगैरह आपके वापस आ गए। अब ये जो सेल है, यही मैंने यहां पर बना रखा है, ये आपका प्रोफेज टू के अंदर एंटर किया। प्रोफेज टू के अंदर एंटर होने के बाद एक मेटाफेजिक प्लेट बनी, तो यहां पर भाई चीरफाड़ होगी, यहां पर आपके क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, तो इस तरीके से आपको यह देखने को मिला, ओके? एंड चार सेल्स आपके बन गए विच आर हैप्लॉइड इन नेचर। तो इन चारों सेल्स में अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे आपके डिफरेंसेस हैं। यहां पर लाल कलर का एक एक्स्ट्रा फ्रेगमेंट है, यहां पर पिंक कलर का एक एक्स्ट्रा फ्रेगमेंट है, यहां पर ब्लू कलर का एक एक्स्ट्रा फ्रेगमेंट है, यहां पर रेड कलर का एक एक्स्ट्रा फ्रेगमेंट है, यानी यहां पर देर आर सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस, ओके? अनीज, माई टेलीग्राम ग्रुप्स नेम इज ओजोन क्लासेस एंड आई हैव अ यूट्यूब चैनल विद द सेम नेम विद ओवर 1,42,000 सब्सक्राइबर्स, सो यू कैन सब्सक्राइब इफ यू वॉन्ट, ओके? चलो ऑल राइट, तो यहां पर देखो मेरे भाई, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, डन। अब देखो ओवरऑल स्टेप्स आपके एक और बार, मियोसिस वन में क्या हुआ, मियोसिस वन में आपका जो पेरेंट सेल था इसको डिवीजन का सिग्नल मिला, इसके अंदर इंटरफेज में पहले आपका खुला खुला क्रोमेटिन आपका प्रेजेंट था, प्रोफेज वन जब आया तो यह क्रोमोसोम के फॉर्म में पैक होने लग गया, ओके? उसके बाद देखो मेटाफेज आया, दो मेटाफेजिक प्लेट बनी, यहां पर देखो दो मेटाफेजिक प्लेट बनी है, ये एक और ये दो, एनाफेज में दोनों मेटाफेजिक प्लेट आपकी सेपरेट पोल्स के ऊपर चली गई और टेलोफेज में आपके दो सेल्स बन गए। अब ये जो दो सेल्स बने हैं ये एंटर करेंगे इनटू द प्रोफेज टू, तो यहां पर ये प्रोफेज टू में एंटर करेंगे, देन आपकी मेटाफेजिक प्लेट आपकी यहां पर बनेगी सिंगल मेटाफेजिक प्लेट। सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बनने के बाद ये आपके एनाफेज में अपोजिट पोल्स के ऊपर चले जाएंगे एंड देन आपका यहां पर क्या होगा, आपका टेलोफेज आ जाएगा और डिवाइड होने के बाद ये आपके चार हैप्लॉइड सेल्स बना लेंगे। दैट इज अ बेसिक थिंग जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, बट अलग तरीके से देखने के लिए आई हैव ऑप्टेड अ न्यू डायग्राम। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मतलब मियोसिस होता क्या है, अब ये डायग्राम देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। रौनित नमस्ते मेरे भाई, तो यहां पर देखो आपके दो क्रोमोसोम इस प्रकार के थे, व्हाइट कलर के, और दो आपके रेड कलर के थे। अब यहां पर अगर आपने मियोसिस वन को देखा तो मियोसिस वन में आपकी नई कॉम्बिनेशंस बनी है, जैसे यहां पर आपके व्हाइट वाले में छोटा सा रेड आ गया, रेड वाले में छोटा सा व्हाइट आ गया, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, यहां पर आपके क्रॉसिंग ओवर हुई है, यहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई है एंड यहां पर आपका रिकम्बिनेशन हुआ है, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकम्बिनेशन हुआ है। एक बार हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम डाउट लेंगे 10-15 मिनट आराम से, राइट? क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन आपका यहां पर हुआ है। अब देखो मेरे भाई, अब आपकी डॉटर न्यूक्लियाई जो है ये आपके किस प्रकार के कॉम्बिनेशन शो करेगी, इनको देखने की कोशिश करना। देखो यहां पर रेड के ऊपर छोटा सा व्हाइट है, यहां पर कंप्लीट रेड है, यहां पर कंप्लीट व्हाइट है,
यहां पर व्हाइट के ऊपर छोटा सा रेड है, क्या चारों के चारों सेल्स डिफरेंट है? एक क्रोमोसोम को देखो, एक कंप्लीट रेड, एक कंप्लीट व्हाइट, एक पे रेड पे व्हाइट, एक पे व्हाइट पे रेड, ये चारों के चारों सेल्स आपके डिफरेंट हैं। अब नीचे की साइड देखो, नीचे की साइड देखो, एक कंप्लीट व्हाइट, एक कंप्लीट रेड, एक रेड पे व्हाइट, एक व्हाइट पे रेड, ये चारों भी आपके डिफरेंट है। कहने का मतलब है जब आपकी क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन हो जाती है तब आपके जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तब आपकी जो सीक्वेंसेस बनती हैं, दीज आर डिफरेंट, और इसी से हमें क्या मिलता है, अडेप्ट करने का पावर मिलता है। हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फार बेटर एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो मियोसिस से बनते हैं, और अगर मियोसिस होगी तो क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेशन होगा, और अगर क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेशन होगा तो इस प्रकार के नए कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे, और नए कॉम्बिनेशन अगर देखने को मिले तो यू विल सर्वाइव इन अ बेटर कंडीशन। इट कंजर्व्स द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज। मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप मियोसिस नहीं करते तो आपकी हर जनरेशन के बाद क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा। समझ लो आप एक डिप्लॉयड इंसान हो और आपके अंदर मियोसिस नहीं हो सकती, तो आपके गैमेट भी डिप्लॉयड बनेंगे माइटोसिस से, और ये दोनों जब फ्यूज करेंगे तो आपका बच्चा कैसा हो जाएगा, टेट्राप्लॉयड हो जाएगा, यानी इसमें क्रोमोसोम नंबर डबल। फिर आपका बच्चा जब रिप्रोड्यूस करेगा, ये भी किसी डिप्लॉयड या टेट्राप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के साथ या इंडिविजुअल के साथ रिप्रोड्यूस करेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्टाप्लॉयड हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो टू कंजर्व द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच स्पीसीज इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो द मियोसिस, क्योंकि आपके जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ये आपके मियोसिस शो करेंगे, हैप्लॉयड गैमेट्स बना लेंगे, हैप्लॉयड गैमेट फ्यूज करके दोबारा से डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, राइट? डिप्लॉयड हैप्लॉयड आपका इस तरीके से जो सारी चीजें हैं वो होती रहेंगी। इट कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। यहां पर हम लोग साइड वाले डायग्राम में देख चुके हैं कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से यहां पर नई नई कॉम्बिनेशन बनती है, तो एक पॉपुलेशन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो अलग अलग इसीलिए दिखते हैं क्योंकि हमारे जो गैमेटिक कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग होती है। सो इवोल्यूशन के लिए जो रॉ मटेरियल है वो यहां से हमें मिल जाता है, और गैमेट फॉर्मेशन में तो ये हेल्प करता ही है, यानी आपका डिप्लॉयड जो जर्म सेल है उससे आपका गैमेट बनाता है एट द एंड ऑफ द डे। अब यहां पर देखो ए माइटोसिस क्या होता है, इट इज अ न्यू टॉपिक, नॉट इन एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट वी आर गोइंग टू डू दिस। तो ए माइटोसिस जो है इसको समझने की कोशिश करना। ए माइटोसिस को आप लोग बोलते हो डायरेक्ट माइटोसिस, ये आपके छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर देखने को मिलते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रेमेक, तो सिर्फ आपको एक नाम याद करना है, दैट इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रेमेक, इसे आप डायरेक्ट सेल डिवीजन बोलते हो। तो यहां पर देखो आपका किसी इंडिविजुअल का साइटोप्लाज्म है, यहां पर न्यूक्लियोलस है और यहां पर न्यूक्लियस है। यहां पर क्या हुआ, सीधा आपका न्यूक्लियस कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, यानी न्यूक्लियस आपका डिवाइड करता है, न्यूक्लियस आपका इलोंगेट करता है। जैसे ही आपका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा आपके सेल को भी सिग्नल मिल जाएगा डिवाइड करने के लिए, एंड ये आपके डॉटर सेल्स बना लेगा, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके का डिवीजन है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता। इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस को इलोंगेट कर दो, जैसे आप अमीबा वगैरह में भी देखते हो ना, जब आप पढ़ते हो अमीबा देन यू बेसिकली हैव अ लुक कि आपका न्यूक्लियस सबसे पहले दूर दूर जा रहा है, इलोंगेट हो रहा है, फिर न्यूक्लियस जैसे आपका कटा तो सेल डिवाइड हो गया। जो आप लोअर ऑर्गेनिज्म में पढ़ते हो दैट इज डायरेक्ट सेल डिवीजन, इसको आप क्या बोलते हो, ए माइटोसिस बोलते हो। तो यहां पर देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, डिजीज सेल्स, ओल्ड सेल या फिर मैमल कार्टिलेजनस सेल या फीटल मेम्ब्रेन। तो आपको क्या क्या याद करना है, आपको सिर्फ ये फीटल मेम्ब्रेन याद करनी है, एंड आपको याद करना है ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया या प्रोटोजोअन, यानी जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर आपका न्यूक्लियस इलोंगेट होगा। न्यूक्लियस अगर आपका लंबा हुआ तो न्यूक्लियस में कंस्ट्रिक्शन अपीयर हो जाएगी, यानी न्यूक्लियस आपका इस हिसाब से पिचक के कटने लग जाएगा, ओके? और उसके बाद साइटोप्लाज्म में कंस्ट्रिक्शन अपीयर हो जाएगी, यानी साइटोप्लाज्म भी आपका इनवेजिनेट होने लगेगा अंदर की साइड। फिर जैसे ही आपका न्यूक्लियस टूटेगा आपका साइटोप्लाज्म भी टूट जाएगा। ये स्पेशल क्यों है, इसे डायरेक्ट माइटोसिस क्यों बोला, क्योंकि इसमें कोई स्पिंडल फाइबर वगैरह नहीं बनते या फिर कोई क्रोमोसोमल कंडेंसेशन नहीं होती। आपका न्यूक्लियस अपने कंटेंट को डबल करेगा, सीधा न्यूक्लियस दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, अपने हिसाब से आपका जो जेनेटिक मटेरियल है ये सेपरेट हो जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप रिमेन्स इंटैक्ट, यहां पर आपके न्यूक्लियर एनवेलप को भी टूटने की आवश्यकता नहीं होती, एंड इट इज इक्वल डिवीजन। सो माइटोसिस की तरह ये इक्वल है, ये तो बात करेक्ट है, लेकिन माइटोसिस से अपोजिट क्या है इसमें, कि इसमें कोई स्पिंडल फाइबर नहीं बनता, कोई आपकी जो है क्रोमोसोम फॉर्मेशन नहीं होती, डीएनए डीएनए ही रहता है, एंड आपका न्यूक्लियर एनवेलप आपका यहां पर नहीं टूटता। अगर न्यूक्लियोलस भी होगा तो उसमें भी कोई लोचा नहीं रहेगा, वो भी आपका
एज इट इज कॉमन रहता है। अब एंडोमाइटोसिस एंड एंडोपॉलीप्लॉइडी, यहां पर आप देख रहे हो कि एक आपका हैप्लॉइड सेल है। अब इस हैप्लॉइड सेल के अंदर समझ लो क्या हुआ, इस हैप्लॉइड सेल के अंदर हुई डिवीजन, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, आपका डीएनए कॉन्टेंट बढ़ा, आपका डीएनए कॉन्टेंट बढ़ा एस फेज में, लेकिन आपका सेल जो है डिवाइड नहीं किया, यानी आपका न्यूक्लियर कॉन्टेंट बढ़ा, आपका न्यूक्लियर कॉन्टेंट बढ़ा लेकिन सेल डिवाइड किया ही नहीं, तो आपका सेल क्या हो गया, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड हो जाएगा, इसका कॉन्टेंट जो है बढ़ जाएगा, इसका कॉन्टेंट बढ़ जाएगा लेकिन आपका सेल डिवाइड नहीं किया। सिमिलरली आपका जो सेल है ये पॉलीप्लॉइड भी बना सकता है। कैसे, इसके मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म वेरी केयरफुली। ये समझ लो आपका एक ऑर्गेनिज्म है, ये समझ लो आपका एक मेल है, ये आपका एक मेल है, मुच्छी बना देता हूं, एंड ये आपकी एक फीमेल है, चोटी बना देता हूं, राइट। अब ये जो मेल है समझ लो इसके अंदर एक डिप्लॉयड सेल था और इससे गैमेट बनाने में हो गई गलती, यानी ये जो आपके क्रोमोसोम का एक पूरा का पूरा पेयर था, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम था, ये आपके गलती से एक ही पोल के ऊपर चले गए और इस पोल पे कुछ भी नहीं गया, राइट। तो इसका जो गैमेट बनेगा ये कैसा बनेगा, आपका डिप्लॉयड बन जाएगा, इसका गैमेट आपका कैसा बन जाएगा, डिप्लॉयड। और यहां पर जो लड़की है इसका गैमेट ठीक बना है, तो इसका डिप्लॉयड जर्म सेल था, इसके अंदर ये जो है आधे आधे डिवाइड किए हैं अच्छे तरीके से, तो इसका जो गैमेट है ये क्या बन गया, हैप्लॉयड। अगर इन दोनों के बीच में फ्यूजन हो जाती है, जो कि प्लांट में मोर कॉमन है देखने के लिए, तो प्लांट में अगर ऐसी फ्यूजन हो जाती है तो प्रोजेनी कैसी बनेगी, प्रोजेनी कैसी बनेगी, प्रोजेनी आपकी बनेगी ट्रिप्लॉयड, राइट। आप सब लोगों ने सुना होगा जो वीट आप लोग खाते हो, जो गेहूं आप लोग खाते हो, इसकी प्लॉयडी क्या है, जो वीट आप लोग खाते हो इसकी प्लॉयडी क्या है, कोई बताएगा, व्हाट इज द प्लॉयडी लेवल ऑफ वीट दैट यू बेसिकली ईट, ट्रिटिकम एस्टिवम, इसका प्लॉयडी लेवल क्या है, बता दो एक बार इफ यू हैव एनी आइडिया। जो आप वीट खाते हो ना मेरे दोस्त, प्लांट में आपकी पॉलीप्लॉयडी बहुत कॉमन है, ये हेक्साप्लॉयड है, अगर आपको नहीं पता है ये हेक्साप्लॉयड, इट इज नॉट ट्रिप्लॉयड संगीता, इट्स हेक्साप्लॉयड। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हो, आपका स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन वाला जो चैप्टर आएगा 12th क्लास का 9th चैप्टर, उसमें आप इसे डिटेल में पढ़ोगे, क्रॉप डेवलपमेंट एंड ब्रीडिंग वाले चैप्टर के अंदर, उस आर्टिकल के अंदर। सो इट इज हेक्साप्लॉयड वीट, राइट। तो आपका इस प्रकार से क्या हो जाता है, आपकी पॉलीप्लॉयडी भी इंड्यूस हो सकती है। नाउ माइटोसिस वर्सेस मियोसिस, ये अच्छा आर्टिकल, इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो माइटोसिस वर्सेस मियोसिस, यानी इन दोनों में आपका क्या फर्क है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन कितनी बार होगा, अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेज बिफोर माइटोसिस बिगिन, एक बार आपका डीएनए रेप्लिकेट करेगा डबल कॉन्टेंट हो जाएगा। अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेज बिफोर मियोसिस बिगिन, इसमें भी आपका एक बार डबल कॉन्टेंट कर दिया जाता है, लेकिन डिवीजन, हाँ नंबर ऑफ डिवीजन माइटोसिस में एक होगी एंड नंबर ऑफ डिवीजन इसके अंदर दो हो जाएंगे। फर्क समझ लो, समझ लो आपके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए को आपने डबल कर लिया एस फेज में, 200 रुपए हो गए, 200 रुपए को आपने दो सेल्स के बीच में बांट दिया, 100 रुपए बट गए, तो क्या हुआ, इक्वेशनल डिवीजन, पिताजी के पास भी 100 थे और डॉटर सेल्स के पास भी 100 आ गए। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर उल्टा सिस्टम है, यहां पर आपका एक बार डिवीजन हुई, यानी एक बार मल्टीप्लीकेशन हुई, बायोलॉजी में डिवीजन बोलते हैं हम लोग। तो यहां पर देखो 100 जो है इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200 रुपए हो गए, पहली बार जब डिवीजन किया तो 100-100 समझ लो डॉटर सेल्स को मिल गए, दूसरी बार जब डिवीजन किया तो फाइनल आउटकम क्या जाएगा, 50-50-50-50, राइट, 50-50-50-50। तो इनिशियल और फाइनल में कितने का फर्क है, हाफ का फर्क है, इसीलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन बोल दिया। साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम आपके यहां पर देखने को नहीं मिलते, साइनेप्सिस वगैरह नहीं होती, क्योंकि साइनेप्सिस कहां हो रही थी, आपके जाइगोटिन में, वो भी प्रोफेज वन में, प्रोफेज वन आपका माइटोसिस में हमने कभी सुना ही नहीं था, प्रोफेज वन प्रोफेज टू ये सारी जो आपकी फेजेस है ये आपकी मियोसिस की फेजेस है, तो प्रोफेज वन के अंदर ये होता है, सिर्फ मियोसिस में देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ डॉटर सेल्स एंड जेनेटिक कॉम्पोजिशन, मियोसिस में आपके 4 सेल बनते हैं और चारों के चारों हैप्लॉयड होंगे ये वाले, और माइटोसिस में 2 सेल बनेंगे और दोनों के दोनों कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे, अगर आपका इनिशियल सेल डिप्लॉयड था तो
तो दो सेल बनेंगे, दोनों के दोनों सेम होंगे, लेकिन यहां पर अगर चार सेल बनेंगे तो चारों के चारों सेल आपके डिफरेंट बनेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ रिकम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। रोल इन द एनिमल बॉडी, ये आपके सेल को प्रोड्यूस करती है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, यानी आपकी बॉडी में जो ग्रोथ हो रहा है या रिपेयर हो रहा है ये माइटोसिस की वजह से है, लेकिन जो आपके गैमेट बन रहे हैं और जो सेक्सुअल डाइवर्सिटी आ रही है ये आपकी किसकी वजह से है, मियोसिस की वजह से है, राइट। तो चलो गाइज, दिस इज फॉर द चैप्टर, कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज। अगर आप मेरे बैच के अंदर आना चाहते हो तो आप विपिन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, इस नाम के कोड का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आप मेरे बैच के अंदर एंट्री पालोगे, आप मेरे मेंटोरशिप बैच का भी पार्ट बन जाओगे, अदर देन दैट आपको मेरे 10,000 क्वेश्चंस की जो टेस्ट सीरीज है ये मिल जाएगी अलॉन्ग विद क्वेश्चंस आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन, और इसके साथ साथ मेरे दोस्त आपको मेरे नोट्स भी मिल जाएंगे। सो प्लीज मेक श्योर टू गेट कनेक्टेड ऑन अनअकैडमी प्लस बैच बाय यूजिंग कोड विपिन। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। कुछ ही दिनों में हम लोग अपनी क्वेश्चन सीरीज यूट्यूब पर भी स्टार्ट कर देंगे, सो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। सो उस क्वेश्चन सीरीज में आपको प्रैक्टिस करने का अच्छा मौका मिलेगा, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस कंपेयर करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अनीस, वी आर हैविंग क्लास डेली, कल थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी उस हिसाब से मैं नहीं ले पाया था, लेकिन यस वी आर हैविंग क्लास टुमारो, हम पॉसिबली ह्यूमन या प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। ऑल राइट, सो जस्ट लेट मी नो अहमद, वी आर ट्राइंग कि हम प्लांट फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी को कंसिडरेशन में, प्लांट या ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो आप जो भी बोलोगे हम उसको कंसिडरेशन में ले लेंगे, राइट। चलो आकिब जावेद, चेक पॉइंट क्या होता है, तो अगर आप मेरा लेक्चर 1 देखोगे उसमें आपको चेक पॉइंट्स के बारे में नॉलेज मिल जाएगी, हालांकि मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं, नो इश्यूज, चेक पॉइंट्स के बारे में हम जान लेते हैं। चेक पॉइंट्स मतलब आपके वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर आप चेक कर सकते हो कि सब कुछ ठीक है या नहीं। समझ लीजिए आपका सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन या फिर आपका सेल साइकिल का, अगर समझ लो मैं यहां पर एक ब्योरा अगर तैयार करता हूं, लेट्स से आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम इंटरफेस, यहां पर आपका एक सेल प्रेजेंट है इंटरफेस के अंदर, तो ये आपका G1 है सबसे पहले फेज, देन आपका G2 से पहले S फेज आएगा, S फेज, देन आपका G2 फेज आ जाएगा यहां पर, एंड देन आपका M फेज आ जाएगा जिसके अंदर आपका कैरियोकाइनेसिस है, एंड देन आपका साइटोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस के अंदर भी आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज जो है आपके आ जाएंगे, तो PMAT आपका यहां पर आ जाएगा, PMAT, राइट। तो अगर आपने देखा है कि आपका सेल डिवाइड करना चाह रहा है, लेकिन ये आपका यहां पर एक बार चेक करेगा कि क्या मेरे पास सफिशियंट ATP है, अगर मेरे पास सफिशियंट ATP है तो ही मैं आपका DNA रेप्लिकेट कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। सो इसे आप क्या बोलते हो, कमिटमेंट फेज बोल देते हो, या यार मैं चेक कर लूं कि मेरे पास सफिशियंट एनर्जी पूरे DNA को खोलने के लिए है भी या नहीं। फिर आपका S फेज में DNA रेप्लिकेट कर लेगा, तो यहां पर आप चेक करोगे कि आपका DNA ठीक से रेप्लिकेट हुआ है कि नहीं। फिर आप आगे जाकर चेक करोगे कि DNA अगर आपका ठीक से रेप्लिकेट हुआ है तो कोई डैमेज तो नहीं हुआ है या कोई मेजर म्यूटेशन तो नहीं हुआ है कोडिंग रीजन में। तो बीच बीच में आपके रीजन होते हैं जैसे G1, देन आपका S एंड G2, देन आपका G2 एंड M चेक पॉइंट, ये सारे चेक पॉइंट पे आपके अलग अलग प्रोटोकॉल्स आपको देखने को मिलते हैं। ओके नेहा, प्लीज अपना क्वेश्चन लिखिए क्योंकि वो शायद थोड़ा सा ऊपर चला गया है। ऑल राइट अनीस, विल स्टार्ट। ओके, व्हेन विल यू टीच सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर? अनीस, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट दिस मंथ ओनली, आई स्टार्टेड दिस चैप्टर अ फ्यू डेज बैक एंड आई हैव कंप्लीटेड दैट चैप्टर, यू कैन गो एंड यू कैन चेक इट आउट। ओके, ऑल राइट, so I have completed 5 chapters, the living world, the biological classification, then your cell, your biomolecule, and today we have completed cell cycle and cell division. Now we are going to do the 5 chapters of plant physiology in detail. We will be starting with respiration or photosynthesis, and after that we will be taking rest of the chapters into consideration. Yes, so we are having live class every day 7 a.m. so please be over here 7 a.m. sharp on daily basis because we are having classes daily. I have missed only one day, that is yesterday, just because of some problems, and I think that is totally fine.
एक महीने में यार एक आधा दिन अगर हो जाता है कुछ तो इट्स वेरी वेरी नॉमिनल। ओके, मियोसिस वन का शॉर्ट समरी, डीएनए डिवीजन में प्रॉब्लम है। शहनाज, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड बायोमोलिक्यूल, सो यू कैन गो एंड यू कैन चेक इट आउट। पूरा जो आपका बायोमोलिक्यूल्स है डिटेल में हो चुका है। ऑलराइट, तो मियोसिस वन जो है इसमें क्या होगा? मियोसिस वन में सबसे पहले प्रोफेज वन है जिसमें डीएनए कंडेंस करेगा। प्रोफेज वन में देर आर फाइव फेजेस। ओके, देर इज लेप्टोटी, देर इज जायगोटी, देर इज पकाइटी, देर इज डिप्लोटी एंड देर इज डायाकाइनेसिस। सो यहां पर क्या हुआ, लेप्टोटीन में आपका जो क्रोमेटिन इस हिसाब से प्रेजेंट था, ये आपका लिपटने लग गया है, ये आपका क्या करने लग गया, ये आपका कंडेंस होने लग गया। इस हिसाब से आपका क्रोमोसोम बना लेगा। अब आपका जो क्रोमोसोम है मेरे दोस्त, ये जाइगोटिन में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाता है। यानी इफ देयर इज अ क्रोमोसोम लाइक दिस, ये आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना लेगा दूसरे वाले के साथ। लेट्स मेक इट फ्रॉम ग्रीन कलर। तो ये आपके जो दो क्रोमोसोम है ये आपके आपस में जुड़ जाएंगे इस ब्लू कलर के साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से। देन पकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होगा। तो क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा? इफ दिस इज अ क्रोमोसोम, इफ दिस इज अ क्रोमोसोम, तो इस वाले की ये आर्म एंड ये जो आपका ग्रीन है, इस वाले की ये आर्म जो है आपको देखने को मिलेगी कि ये दोनों आपके क्रॉस ओवर कर चुके हैं। तो यहां पर देखो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्रॉस ओवर बन जाएगा और नीचे आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अभी भी प्रेजेंट है। डिप्लोटिन में आप देखते हो कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आपका टूट चुका है। डिप्लोटिन में आपने देखा कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूट चुका है, सिर्फ आपकी ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है ये बची हुई है यहां पर, दैट इज कॉल्ड एज कियास्माटा। So, सिर्फ ये एक्स शेप स्ट्रक्चर बची हुई है। अब आपका जो ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था ये आपका डिसॉल्व हो चुका है। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और अब आपका एंड में जाकर के ये जो कियाज़माटा है ये भी आपका टूट जाएगा। तो ये क्रोमोजोम आपके क्या हो जाएंगे, क्रोमोजोम आपके पहले की तरह सेपरेट हो जाएंगे। दिस इज प्रोफेज। ओके, अगर ये आपका प्रोफेज है तो इसके बाद आपके देखो यहां पर दो होमोलोगस क्रोमोजोम प्रेजेंट है, इन्हें ऐसे टेढ़ा बना दो इस हिसाब से, ये आपकी क्या बन जाएंगी, दो मेटाफेजिक प्लेट बन जाएंगी। अगर दो मेटाफेजिक प्लेट है तो एक ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम अपर पोल पे चला जाएगा एंड ये जो आपका क्रोमोसोम है दूसरा वाला ये नीचे पोल पे चला जाएगा एंड अल्टीमेटली सेल डिवीजन हो जाएगी। दिस इज मियोसिस वन। ओके, ऑलराइट, ओके, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन अकर्स इन मियोसिस, देन व्हाट हैपेंस इन विच स्टेज? ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अगर आपका क्रोमोसोम रेप्लिकेशन हुआ है यानी डीएनए रेप्लिकेशन अगर हो चुका है इंटरफेज में, तो उसके बाद दो डिवीजन होंगी। पहले में आपके होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे यानी क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो रहा है मियोसिस वन में, तो आप इसे क्या कह सकते हो, इसे आप कह सकते हो रिडक्शनल डिवीजन। और दूसरा जो आपका है मियोसिस टू, इसके अंदर आपका जो क्रोमोसोम है इस तरीके से प्रेजेंट है, इसमें आपके क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, तो क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी घाटा नहीं आएगा। सो इट इज इक्वेशनल डिवीजन। सो मियोसिस टू इज इक्वेशनल डिवीजन एंड मियोसिस वन इज रिडक्शनल डिवीजन। ओके, साइका शब्बीर सर, सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? कोशिश करेंगे कि यार सिलेबस आपका मार्च या अप्रैल मिड तक कंप्लीट कर दें, सो दैट वी विल गेट एम्पल टाइम फॉर रिविजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, चलो यार। ओके, जेनेटिक कोडॉन और जेनेटिक कोड एक ही बात होती है। अगर आप जेनेटिक्स के रेस्पेक्ट में देख रहे हो देन इट इज एब्सोल्युटली सेम। ओके, ऑलराइट, तो चलो यार कल मिलते हैं, अब आप लोगों से विदा लेते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज याद से लाइक कर देना एक बार, जिससे कि मोटिवेशन एकदम बरकरार रहे। एंड इफ यू वॉन्ट मोर लेसन, तो रोज सुबह 7 बजे आप लोगों को मैं मिलता हूँ इसी जगह के ऊपर। योर ओन चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी, योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर नीट यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो फटाक से मिलते हैं कल और स्टार्ट करते हैं नई यूनिट, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, विल श्योरली कैच इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।